मैंने अपनी वेलपेड जॉब डेलोइड की छोड़ी जहाँ मेरे पास यू वीज़ा था बहुत अच्छी लाइफ थी तो पेरेंट्स को थोड़ा मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया इट वॉज अगेंस्ट देयर विशेज बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड सडनली आई वॉज डूइंग गुड एंड देन आई टुक अ डिसीजन कि मैं ये सब नहीं करूँ नहीं करना है सब। तो फादर से दो साल बातचीत ऑलमोस्ट बंद हो गई थी स्टोरी टेलिंग अगर किसी को करनी है कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए कौन सी चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए आपने जब डिजिटल बूमिंग स्टार्स लिखी तो उससे कुछ लेसन आपने सीखे जो क्रिएटर्स के कोई ऐसे लेसन जो लोगों को आप शेयर करना चाहोगे कि अब होम बन की ये चीज़ बहुत अच्छी थी जो मुझे लगता है आप लोग को भी अपने अंदर लानी चाहिए एक अच्छा क्रिएटर बनने के लिए तो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें जरूरी है लोगों को फर्स्ट भाई वेलकम टू तो डीबीसी पॉडकास्ट हम काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे करने का बट ड्यू टू सम और अदर रीज़न कुछ तो मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था जिसका जैसे थोड़ा लेट हो गया अभी फाइनली हमारा बैड डे है आज हम लोग कर रहे हैं थैंक यू सो मच भाई आप हमारे पॉडकास्ट में बहुत टाइम से मुझे आपसे बात करना था बुक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी ब्रांड से रिलेटेड ही हैज़ अ लॉड ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू ब्रांड बिल्डिंग एंड ये सारी चीज़ें तो भाई मेरा वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अभी तक की या प्राउडेस्ट अचीवमेंट कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छा काम किया सो so, जिशान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने मेरे को अपनी पॉडकास्ट में बुलाया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आई हैव बी नोटिसिंग योर जर्नी योर जर्नी इन इट सेल्फ इज वेरी इंस्पिरेशन एंड द कांड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यू आर डूइंग फॉर योर ऑडियंस बाई मेकिंग दैम अवेयर अबाउट द पावर ऑफ द बुक्स इज अमेजिंग सो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट भाई अभी मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ तो मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में मेरी जर्नी चालू हुई पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बहुत कम था और मैं खेलने में भी, भी बहुत कमज़ोर था एंड ऑल इन सब चीज़ों का एक रीज़न ये था मैं बहुत इंट्रोवर्ट था तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता था ट्वेल्थ में, में मेरे केवल 55 परसेंट आए थे एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत डिसअपॉइंट किया है एंड उसके बाद मुझे इंस्परेशन मिली अपने कज़न से तो जिस साल मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि मैं क्या करूँगा लाइफ में उसने इंजीनियरिंग में टॉप ट्वेंटी रैंक गेन की थी और वो घर आया उसने मुझे इंस्पायर किया मेरे पेरेंट्स को बोला कि एक साल इसको ड्रॉप लेने का मौका दो मैं इसको मोटिवेट करूँगा एंड ये कुछ करेगा एंड आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में मेरे कज़न का मुझे मोटिवेशन मिला मेरे पेरेंट्स का मुझे भरोसा जीतने का मौका मिला मैंने काफ़ी मेहनत करी बहुत अच्छी रैंक आई मुझे एम पी के एक वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला आई ई टी डी ए वी वी एंड वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में तो वो मेरे लिए एक प्राउडेस्ट मोमेंट था कि मैं मेरे फादर मेरे मदर को एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारा बेटा कुछ कर सकता है लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक और प्रॉब्लम आई कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था और भी प्रॉब्लम्स थी सडनली मैं इंदौर पहुंचा जो मेरे लिए बहुत बड़ा शहर था छोटे शहर से एकदम से मैं इंदौर पहुंचा बहुत बड़ा शहर था बच्चे इंग्लिश में बात करते थे मेरे बगल में खड़े होकर कोई आईआईटी से किसी का आईआईटी में लोअर रैंक थी पर उसने आईआईटी ज्वाइन नहीं किया हमारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया ऐसे क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते थे मैं तो स्टेज पे जाता था मुझे पसीने आ जाते थे तो मेरा फिर वो इन्फिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ने लगा एंड बिकॉज ऑफ विच फर्स्ट टू ईयर्स में मैंने बहुत स्ट्रगल किया पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था मैं फर्स्ट टू ईयर्स में बट कहीं यूनिवर्स ने मुझे, मुझे मौका दिया मेरे कॉलेज के डायरेक्टर से कनेक्ट होने का जिन्होंने मुझे गाइड करना चालू किया तो जो मेरे फाइनल टू ईयर्स थे इंजीनियरिंग के वो ट्रांसफॉर्मेशनल थे मैं 55 परसेंट के साथ कॉलेज में एंटर हुआ था लेकिन 80 परसेंट के साथ कॉलेज से बाहर निकला आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन द कॉलेज गॉट सिलेक्टेड इन एच एस बी सी विच वॉज वन ऑफ़ द बेस्ट कंपनीज दैट केम फॉर प्लेसमेंट डिड माई प्रोजेक्ट अंडर द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट गॉट अवॉर्डेड बाई कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया सो डेफिनेटली वो एक प्राउडेस्ट मोमेंट था और उसके बाद जर्नी चालू हुई आई वर्क विथ एच एस बी सी एंड डिलॉइट बोथ इन इंडिया एंड द यू एस लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी

एक फेलोशिप मिली टाई में विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट टू फर्स्टर ऑन्टरप्रिनरशिप एंड टाई द इंडस ऑन्ट्रप्रेनोर्स इट वॉज स्टार्टेड इन सिलिकॉन वैली बाय विनोद कोसला, कन्वल रेखी एंड मेनी अदर इंडियन आईकॉनिक ऑंट्रप्रिनर्स इन दिल्कन वैली एंड देन इट ग्रू इंटरनेशनली सो बॉम्बे चैप्टर में मैं अटेंड करता था सेशन तो वहाँ की टीम को मेरा पैशन पसंद आया एंड uh, मुझे फेलोशिप मिली दो साल की एंड बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ चांस टू डू समथिंग दैट आई रियली लाइक नोइंग अबाउट द जर्नीस ऑफ ऑन्टरप्रिनर्स नोइंग अबाउट दियर स्टोरीज मैंने अपनी वेलपेड जॉब डिलोइट की छोड़ी जहाँ मेरे पास यू एस वीज़ा था बहुत अच्छी लाइफ थी तो पेरेंट्स को थोड़ा मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया इट वॉज अगेंस्ट देयर विशेज बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड सडनली आई वॉज डूइंग गुड एंड देन आई टुक अ डिसीजन कि मैं ये सब नहीं करूँ करना है सब तो फादर से दो साल बातचीत ऑलमोस्ट बंद हो गई थी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनसे बातचीत करना दोबारा चालू करूँ एंड उनका जो ट्रस्ट मेरे से हट रहा था वो भी मतलब वो था क्योंकि हर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेटा एक स्टेबल जॉब में हो जिस बैकग्राउंड से मैं आया था तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए आपने छोड़ के किस क्या करने का सोचा मैंने डेलॉइट छोड़ा हाँ। मैंने टाई में फेलोशिप लिया अच्छा फेलोशिप अंतर क्या, क्या होता, होता है कि इज़ हाँ।

बहुत कम हो जाती है जो मनी मेरे को इट वॉज नॉट अ सैलरी इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ अ फेलोशिप अमाउंट जो आता है आपको मंथली जैसे तो वो थोड़ा सा कम था बॉम्बे में रहने के हिसाब से एंड डेफिनेटली करियर पाथ में अपने पापा को समझा नहीं पा रहा था कि मैंने डेलॉइट में तो उनको मैं दिखा सकता था करियर पाथ लेकिन मैं डेलॉइट छोड़ के टाई ज्वाइन किया इसके बाद मैं क्या करूँगा जब मेरी फेलोशिप खत्म होगी मैं उनको समझा नहीं पा रहा था और जब मैं उनको समझा नहीं पा रहा था तो इट वॉज़ नेचुरल फॉर हिम टू फील रेस्टलेस तो दो साल टेंशन चला मम्मी के थ्रू बात करते थे मैं और मेरे पापा बट दैट वॉज द टाइम वेन माई फेलोशिप वॉज गेटिंग ओवर एंड मुझे लगा कि मैं ऑन्ट्रप्रिनर नहीं बन सकता मेरे अंदर वो करेज नहीं है क्योंकि मैंने टाइम में मैंटरिंग को हेड किया था वेर आई डिडेंट सी जस्ट द ग्लैमरस लाइफ ऑफ ऑन्ट्रप्रिनर बट आई ऑल्सो सॉ कि वॉट आर द चैलेंजेस उनके चैलेंजेस क्या होते हैं कौन से स्ट्रगल्स होते हैं जिनके कारण काफ़ी ऑन्टरप्रिनर्स बड़े नहीं कर पाते हैं और कहीं मुझे लग रहा था कि जो लाइफ हम मैगजीन्स में देखते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई हैव सीन समथिंग रियल एंड मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट और वापस डिलॉयट uh, जाने का ऑप्शन उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऑन्टरप्रिनर बनने का ऑप्शन था नहीं फेलोशिप खत्म हो रही थी अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने फादर को क्या फेस दिखाऊँगा सो दैट वॉज द टाइम आई मेट वन ऑफ माई मेन्टोर्स एट टाई एंड ही गेम ई अ वेरी प्रीशियस एडवाइस उन्होंने बोला हर्ष क्रिकेट में ना दो पॉपुलर लोग हैं एक है सचिन तेंदुलकर जो फील्ड में जाके खेलता है दूसरा है हर्षा भोगले जो खेलता नहीं है पर गेम को इतनी अच्छे से समझता है ना कि वो गेम के बारे में लोगों को समझा सकता है एक सिंपल लैंग्वेज में ही कैन कम्युनिकेट स्टोरीज अबाउट द प्लेयर्स एंड देयर स्ट्रेटेजीज तो अगर तुम एक रियल ऑन्ट्रप्रेनर नहीं बनना चाहते हो जो कि फील्ड में जाके सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है तो तुम हर्षा भोगले की तरफ बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पैशन है वो क्यूरोसिटी है वो स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज हैं, कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो उस एक एडवाइस ने मेरा विजन चेंज कर दिया मुझे एक रोल मॉडल दे दिया और लाइफ में पॉजिटिविटी दे दी तो मैंने हर्षा के बारे में पढ़ना चालू किया एंड मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने आई एम अहमदाबाद से एम किया है विच इज़ वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन द कंट्री अब मैंने भी पहले तीन चार अटैम्प दिए थे मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज रहा हूँ जब तक तो मुझे कोई पुश नहीं करता शायद मैं नहीं आगे बढ़ पाता हूँ बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ टू माई फादर तो मैंने हर्षा भोगले को इंस्परेशन बना के एम की तैयारी चालू करी यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया मेरा एक्सएल में हो गया विच इज़ अनदर टॉप बिजनेस स्कूल इन द कंट्री तो मुझे आज भी वो रात याद है जीशान भाई कि रात को बारह बजे रिज़ल्ट आया था फॉर्चुनेटली उस रात को मेरे पेरेंट्स के साथ में था मैं वो लोग बॉम्बे में थे उस टाइम पे तो मम्मी पापा सो रहे थे मैंने मम्मी को जाके कान में बोला कि मम्मी मम्मी मेरा एक्सल आर में हो गया है पापा उठ गए नींद में से मुझे लगा पापा सो रहे हैं पर वो सो नहीं रहे थे और उन्होंने एकदम से उठ के मुझे गले लगा दिया और उनकी आंखों में आंसू से उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पापा सो नहीं रहे थे वो जाग रहे थे उनको अपने बेटे की टेंशन थी कि ये आगे क्या करेगा एंड मैंने कुछ जब हासिल किया तो उनको लगा कि हाँ ये एम करके किसी सही रस्ते पर जाएगा तो वो मेरा लाइफ का एक पर्सनल प्राउडेस्ट मोमेंट है उसके बाद अच्छी जर्नी चालू हुई एक्सएल में मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिले इनिशली uh, मुझे काफ़ी स्ट्रगल होता था सी ग्रेड्स भी आए मेरे बट वहाँ के प्रोफेसर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने मुझे मेरे सपने समझने में कोशिश कर हेल्प करी एंड uh, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाई में हेल्प करी आई पास आउट विथ वेरी गुड ग्रेड फ्रॉम एक्सएलआरआई आर आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मार्केटर बट ड्यूरिंग माई एक्सएल आर आई वन ऑफ माई प्रोफेसर एडवाइज्ड मी दैट यू फॉलोड हर्षा भोगले यू केम टिल हियर सो कीप फॉलोइंग हिम

फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड मैनी अदर renowned publications. एंड uh, जब 50, 60 के अराउंड आर्टिकल्स हो गए थे तो मैं फिर कम्फर्ट जोन में जाने लगा था बिकॉज एम के बाद मेरी जॉब्स अच्छी चल रही थी मेरा पर्सनल पैशन भी राइटिंग का मुझे आउटकम दे रहा था आई वॉज राइटिंग फॉर फोब्स इकोनॉमिक टाइम्स एंड अदर्स तब मेरी वाइफ ने मुझे पुश किया उसने मुझे बोला कि हर्षा भोगले को फॉलो करके तुम यहाँ तक पहुँचे वाई डोंट यू फॉलो हिम फर्दर एंड फिगर आउट अ नेक्स्ट गोल फॉर यूर सेल्फ तब मैंने उनको और स्टडी किया एंड आई फाउंड कि उन्होंने बुक्स लिखी हैं बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट के ऊपर लीडरशिप के ऊपर मोटिवेशन के ऊपर hmm. तो मेरे को लगा कि मैं भी बुक्स लिखूंगा एंड दैट वाज द पॉइंट दैट आई रियलाइज दैट द टॉपिक विच इज़ क्लोज टू माय हार्ट वो एक मार्केट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है वो टॉपिक ये था कि जिस तरीके से मैं जानना चाहता था कि एक स्टार्टअप बड़ा ब्रांड कैसे बनती है कई लोग जानना चाहते थे अब प्रॉब्लम क्या होती है हमारे एम कोर्सेस में जो हमें मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स पढ़ाए जाते हैं वो अमेरिकन ब्रांड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द लिटरेचर जो हमें पढ़ाया जाता है वो फिलिप कॉटलर अदर अमेरिकन ऑथर्स का पढ़ाया right, जाता right, है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की केस स्टडीज पढ़ाई जाती है इन सब में अमेरिकन ब्रांड्स होते हैं हाँ. और अमेरिका एंड इंडिया आर टू वेरी डिफरेंट कंट्रीज अमेरिका इज अ डेवलप मार्केट इंडिया इज अ डेवलपिंग एंड डाइवर्स मार्केट थाउजेंड्स ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे इतने सारे कल्चर्स हैं इतने सारे बोलियां हैं सब कुछ है बहुत कुछ डिफरेंट है खान पान डिफरेंट है सब कुछ डिफरेंट है तो हाउ कम बाय स्टडिंग समथिंग विच इज रिटर्न फॉर अमेरिकन ब्रांड पीपल इन इंडिया कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में ब्रांड कैसे बनता है और इंडिया के ब्रांड्स के ऊपर कुछ लिटरेचर मुझे मिलता था टाटास के ऊपर एंड अदर्स के ऊपर बट मैंने ये रियलाइज किया कि ये ब्रांड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड बने हैं आज की डेट में पेपर बोर्ड जोमैटो बिग बास्केट इस तरीके के ब्रांड्स कैसे बन रहे हैं उसके ऊपर मुझे वाई एंड हाउ पता नहीं चलते थे मीडिया मुझे बता देती थी, थी कि वॉट दे आर डूइंग वाई एंड हाउ नहीं पता चलता था तो मैंने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा अपने लिए भी और अपने रीडर्स के लिए भी क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोफेसर्स और एम बी स्टूडेंट्स से बात की थी जिन्होंने कहा था कि इस तरीके का लिटरेचर मार्केट में लैकिंग है तो फिर मैंने ये बूमिंग ब्रांड्स लिखना चालू करी मुझे मैं किसी फाउंडर को नहीं जानता था जिस तरीके जिनको मैंने कवर किया बुक में बट वो पोलो कैलो का कोट है ना the whole universe conspires to help you to achieve your dream and uh, something like that happened brands like paperboard zomato uh, padman first cry uh, many other iconic brands became part of Shadi.com, became part of booming brands mr harsh mariwala who is chairman of marico uh, gave testimonial for booming brands mr ronny screwwala gave testimonial for booming brands many other uh, अकेडेमिशियंस फ्रॉम वॉटन आई एम्स एक्सएल आर आई अप्रिशिएटेड बूमिंग ब्रांड्स तो इट वॉज़ अ गुड मोमेंट फॉर प्राउड फॉर मी उसके बाद मिस्टर अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सी थे नीति आयो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अप्रिशिएटेड द बुक ही इन्वाइटेड मी टू हिज ऑफिस ट्वीटेड अबाउट द बुक दैट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज हिज ट्वीट गेव अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर टू मी बिकॉज ही टुक अ पिक्चर विथ मी एंड देन ही पोस्टेड इट सो देट वॉज अ वेरी काइंड जैश्चर फ्रॉम हिम दैन मिस्टर प्रकाश जावेडेकर जो उस टाइम पे यूनियन एच आर डी मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया एंड उसके बाद मेरा एक मेमोरेबल कह सकते हो प्राउडेस्ट कह सकते हो बहुत अच्छा मोमेंट आया जब हर्षा भोगले को मालूम पड़ा कि आई हैव ट्रैवल्ड ऑल दिस जर्नी बाय कीपिंग हिम एज अ रोल मॉडल ही इनवाइटेड मी टू हिज होम एंड गेव मी वन आवर दैट पिक्चर विथ हर्षा भोगले दैट कॉन्वर्सेशन विथ हर्षा भोगले ऑलवेज रिमेंबर्स क्लोज टू माई हार्ट एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स नहीं आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड भाई और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली जैसे मैं जो भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा कई बार ना मैं सीकेंड पे बुक समरी बनाता था और हाँ. डालता था ना बहुत सारे लोग कमेंट करते कि भाई तुम हमेशा बाहर वालों की ही क्यों एग्जांपल्स देते रहते हो एंट्रप्रेनर्स के एग्जांपल्स या बिजनेस के एग्जांपल्स क्योंकि वही सारी बुक्स मैं यूजुअली वो बुक्स करता वो जो अच्छी चल रही है और ना मैं जिसका नाम बहुत है और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बाहर की बुक्स ही मेरे को मिलती थी तो आपने ये इनिशिएटिव लेके क्या आई एम रियली प्राउड भाई कि आपने किया ताकि आपकी बुक्स से भी मैं रेफरेंसेस लेके डाल सकूँ लोगों को लेकिन यहाँ इंडिया क्योंकि इंडिया में उतना बुक्स का क्रेज है ही नहीं आपको पता है अभी बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है माशा पहले नहीं था जरा भी

बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू भाई आप काम कर रहे हो आप ऐसे ही काम करते रहो भाई अपने ऑथर बने आप करेंटली अभी क्या क्या चीज़ कर रहे हो आप कहाँ कहाँ पर आप क्या कर रहे हो तो आई वर्क एस अ ब्रांड स्टोरी टेलर सो आई बेसिकली हेल्प बिजनेसिस इन क्रिएटिंग देयर ब्रांड्स थ्रू स्टोरीज सो दैट्स माई स्पेशलाइजेशन एरिया तो होता क्या है कि हर एक बिजनेस में ओरिजिन की स्टोरी होती है जो फाउंडर को मालूम होती है पर कई एम्प्लॉइज़ को मालूम नहीं होती सो आई हेल्प फाउंडर्स इन आर्टिकुलेटिंग दैट स्टोरी दैट कैन बी कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज़ बिकॉज दैट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग इमोशनल कनेक्शन विद द कंपनी बिकॉज आज आपका थाउजेंड करोड़ का टर्न है कोई नया एम्प्लॉय आएगा उसको वो इमोशनल कनेक्शन अगर आपको एस्टैब्लिश करवाना है सो यू हैव टू टेल हिम कि इनिशियली क्या क्या स्ट्रगल्स हुए थे क्या सेटबैक्स हुए कैसे फाउंडर ने कम किया और ये बिजनेस खड़ा किया सो so दैट्स वॉट आई हेल्प फाउंडर्स इन क्रिएटिंग दैट फाउंडिंग स्टोरी दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है हर एक फाउंडर चाहता है कि एम्प्लॉयज़ कंपनी की वैल्यूज़ परपज़ विजन मिशन इन सब फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को समझें बट्स बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ये स्टेटमेंट्स दीवारों पर लगे रहते हैं लोगों को समझ में नहीं आते आप किसी भी एम्प्लॉय से बात करो वो मुश्किल है कि अच्छे से आपको विजन बता पाए पर्पज़ बता पाए ऑर्गेनाइजेशन का और उसके पीछे की कहानी बता पाए अब उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनको वो कहानी बताई नहीं गई तो आई हेल्प कंपनीज इन क्रिएटिंग दो स्टोरीज की इन वैल्यूज़ के पीछे रीज़न क्या था इन पर्पस ऑफ मिशन विजन बनाने के पीछे रीज़न क्या था देन आई हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिएटिंग रेगुलर स्टोरीज अराउंड द एम्प्लॉयज़ हु फॉलो दीज वैल्यूज़ एंड मेक इम्पैक्ट दिस एम्प्लॉयज़ कैन बी कॉल्ड एस कल्चर चैंपियंस सो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं थ्रू देयर स्टोरीज बिकॉज दे आर डेन डे आउट दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन बाई फॉलोइंग द बिहेवियर दैट फाउंडर वॉन्टेड डेम टू फॉलो तो ये कहानियाँ कनेक्ट करता हूँ फिर क्या होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ब्रांड बन जाता है तो सेल्स uh, टीम आती है फाउंडर्स सेल्स में उतना एक्टिव नहीं होते नई सेल्स टीम एक्टिव हो जाती है क्योंकि ब्रांड है तो पुराने क्लाइंट्स के बेसिस पे पुरानी रिकॉग्निशन के बीच पे, बेसिस पे वो नए क्लाइंट्स को लेके आते हैं बट दैट सेल्स टीम शुड नो कि शुरू के 50 क्लाइंट कैसे आए जब ब्रांड भी नहीं था दो दो साल लगे कितना पैशन लगा कितना परसिवरेंस लगा कितना पेशेंस लगा वो कहानियों को मैं क्या चीज़ ने काम किया क्या फेलियर हुए वो सब कैप्चर करके मैं वो स्टोरी बैंक बनाता हूँ जो सेल्स टीम के लिए काम आता है इसी तरीके से आपने नया ब्रांड लॉन्च किया नए मार्केट में लॉन्च किया तो इंडिया में तो आप बिलियन डॉलर कंपनी थे जब आप नए मार्केट में गए तो यू अगेन बिकेम अ स्टार्टअप तो वहाँ पे आपने मार्केट कैसे कॉन कॉन्कर किया एवरी मार्केट इज डिफरेंट इंडोनेशिया इज़ वेरी डिफरेंट मार्केट आप अफ्रीकन मार्केट्स में जाओगे वो डिफरेंट मार्केट्स है तो कैसे नए मार्केट्स में आपने पुरानी लेगेसी को संभालते हुए ऐसा स्टार्टअप काम किया तो उसकी कहानियाँ लाइक दिस दे आर मैनी स्टोरीज इनोवेशन की कहानियाँ सो so ये सब मैं फाउंडर्स की हेल्प करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग एंड देन फाउंडर्स आर एबल टू यूज़ दी स्टोरीज टू गेन द माइंड शेयर इंटरनली ड्यूरिंग टाउन हॉल्स इंडक्शन एंड एक्सटर्नली वैन दे कम फॉर इंटरव्यूज मे बी लाइक राइट दन विध यू और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके ऊपर हार्डली कोई फोकस कर रहा होगा जिस जो आपने पकड़ा है ये बहुत दोनों ही चीज़ बहुत पावरफुल है स्टोरी टेलिंग और ब्रांडिंग आपने दोनों को कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया क्योंकि स्टोरी से रिकॉल वैल्यू हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल टच आता है बेजर वॉट मैटर्स करके एक बुक है उसके अंदर भी बताया जाता है ना यार कई बार है ना कंपनीज़ में जब बात करते हैं एम्प्लॉज से तो उनको पता ही नहीं रहता है कि उनकी कंपनी किस लिए लाइक like वो लोग सिर्फ का, उनका काम था हाँ, कॉल करना है तो उनको सिर्फ इतना पता है मुझे कॉल करना है लेकिन वो क्यों कॉल कर रहे हो उसका स्टार्टिंग काम बोल रहा ना उसके पीछे आप स्टोरी बनाने में हेल्प करते ताकि कोई भी इंसान बेसिकली सब एक पेज पर पे रह सके और उसके अंदर वो बताया क्या ऑथर भी बता रहे थे कि अगर जैसे एक बहुत बड़ा ये पत्थर है हमारे सामने दो लोग यहाँ से धक्का दे रहे दो लोग यहाँ से दो लोग यहाँ से धोया सब लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के धक्का देंगे तो पत्थर वहीं का वहीं रहेगा कहीं पहुंचेगा नहीं राइट right. लेकिन अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको कहीं ऊंचाई तक पहुंचाना है आपको सब पूरा फोर्स मिलकर एक ही डायरेक्शन में अगर पुश करेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि वो पत्थर वहाँ से वहाँ तक पहुँच पाएगा सो so, ये एक एग्जाम्पल एनालि के हिसाब से भी ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि जो आपने बताया कि कब सबको पता होना चाहिए कि कंपनी के वैल्यू क्या है उनके गोल्स क्या है उनका विजन क्या है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है जैसे कि ओके में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसके पीछे लाइक इमोशनल कनेक्शन हो कि हाँ हमें करना है यार ये चीज़ आई कैन कम्प्लीटली रेड और मैं समझ सकता हूँ कितना पावरफुल चीज़ है भाई जो आप ईशन भाई मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो आपने वो पत्थर वाला जो एग्जाम्पल दिया ना उसके अराउंड होता क्या है ऑर्गनाइजेशन में पिरामिड स्ट्रक्चर होता है wow. तो जो विजन है स्ट्रेटेजी है वो टॉप डाउन फ्लो करती है wow. लेकिन एग्जीक्यूशन जो है ना बॉटम अप फ्लो करता है right. अब होता क्या है कि हर एक का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है हर एक का मोटिवेशन लेवल अलग है अब आप सोचो कि वही स्ट्रेटेजी प्यून को और प्रेसिडेंट को एक तरीके से समझ में आएगी बिकॉज प्यून का contribution भी मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में रिसेप्शनिस्ट right. का contribution भी मैटर करता, करता है right. उनको वो स्ट्रेटेजी उसी तरीके से समझ में आएगी क्या जो प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को समझ में आई है नहीं hmm. लेकिन उस स्ट्रैटेजी को अगर आप कहानी से समझाते hmm. हो तो नीचे से ऊपर तक एक जो एग्जीक्यूशन में चेंज आएगा क्योंकि लोगों को अब मालूम होगा कि ये काम क्यों कर रहे हैं कैसे करते हैं और इसके अराउंड एक माइंड में विजिबिलिटी है एक पिक्चराइजेशन है और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कोई भी हो इंटेलेक्चुअल लेवल किसी का कुछ भी हो उसको कहानी जरूर याद रहती है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हाँ। आपने इंजीनियरिंग किया है हुँ। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा थ्योरम पढ़ी होगी एंड डार्स की लॉस पढ़ी होंगी <laughs> और न्यूटन की लॉस भी पड़ी होगी हाँ। राइट हाँ। और जब आप पांच साल से छोटे होंगे तब आपने हेयर एंड टोटवाइज भी सुनी होगी जिशान भाई मैं आपको रात को तीन बजे उठाऊंगा आपको फेस वॉश करने का मौका नहीं दूंगा और आपसे बोलूंगा मुझे इन पांचों पीसेस ऑफ कंटेंट में से एक बताओ एंड टू एंड विद द की मैसेज आप कौन सा कंफर्टेबल फील करोगे हेयर एंड जो कि आपने पांच साल से जब आप छोटे थे तब आपने सुनी थी जब आपका माइंड उतना डेवलप नहीं था जब आप थ्योरम सॉल्व कर रहे थे आपने हंड्रेड न्योमेडिकल सॉल्व किए होंगे मिनिमम लेकिन आप कंफर्टेबल किससे हो से तो कहानियों की ये पावर होती है कि लोगों को याद रहती है आसानी से समझ में आती है और वो दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं राइट कहीं ना कहीं एकदम सही बात है। स्टोरी टेलिंग एक बुक है स्टोरी टेलिंग एनिमल करके उसके अंदर भी बताया गया कैसे हमारा जो दिमाग है वो स्टोरीज के लिए वायर्ड हुआ जब हम लोग ने मतलब बोलना भी नहीं सीखा था तब से हम लोग है ना के उस पर पे पेंटिंग बना के स्टोरी के थ्रू मैसेजेस शेयर करते थे राइट right. एक दूसरे के साथ तो वो स्टोरीज बहुत ज़्यादा हार्ड वायर्ड है हमारे दिमाग में राइट right. इसीलिए वो ईजीली हम लोग बता भी सकते हैं कनेक्ट भी कर सकते हैं उससे मैसेजेस भी इजिली कन्वे भी हो सकते हैं आ, और इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स और बाकी सारे लोग ये चीज़ को समझते हैं और नहीं भी समझते तो अब समझ भी रहे कि स्टोरीज कितनी पावरफुल होती है मैंने तो भाई बहुत सारी बुक्स पढ़ा स्टोरी टेलिंग मैं सच बोल रहा आई रियली अंडरस्टैंड इसलिए मैंने बोला ना स्टोरी टेलिंग और ब्रांडिंग दोनों बहुत पावरफुल चीज है जो आप दोनों यूज़ करके आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है थैंक यू और भाई ये बूमिंग ब्रांड आपने लिखी उसमें उसमें से कुछ की लेसंस आप शेयर करना चाहोगे जो आपने सीखे थे अलग-अलग ब्रांड से में भी उस बुक में क्या है मतलब कुछ उसके लेसंस इस बुक की खासियत ये है कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के जो की प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम कॉलेजेस में थ्रू थ्योरी पढ़ते हैं उनको यहाँ पे मैंने कहानियों के थ्रू समझाया है जैसे कॉलेज में एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है जो हमने एम में पढ़ा था कि एक आपको एक नई कैटेगरी बनाई बनानी पड़ती है इनफैक्ट आप फ्लिपकार्ट और अमेजान पर देखो तो आपको कैटेगरी मैनेजर का एक रोल भी दिखता है मुझे इतना समझ में नहीं आता कि कैटेगरी मैनेजर का की वैल्यू क्या होती है या फिर ये कैटेगरी क्यों बनाई जाती है बट ब्रांड बनाने से पहले कैटेगरी बनाना इम्पॉर्टेंट होता है वो मैंने जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पेपर बोट का जब पेपर बोट मार्केट में आया था डाबर का रियल जूस मिलता था ट्रॉपिकाना का जूस मिलता था और भी कई ब्रांड्स थे जिनका जूस मिलता था राइट और पेपर बोट के पास वो रिसोर्सेस नहीं थी जो डाबर और पेप्सी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के पास होंगी राइट right? स्टिल पेपर बोट ने इतना आइकॉनिक ब्रांड बनाया कि आज हर कोई जानता है और उस ब्रांड को एडमायर करता है तो मैंने जब उनके बारे में स्टडी करी क्वेश्चंस पूछे नीरज कक्कड़ से जो कि फाउंडर एंड सी हैं और समझा तो मेरे को समझ में आया कि पहला प्रिंसिपल उन्होंने देखा था कि इट क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी जूस की कैटेगरी है इंडियन एथनिक ड्रिंक्स की कैटेगरी नहीं थी hmm. तो उन्होंने वो एक कैटेगरी बनाई जिसमें ये आम बाकी लोग मैंगो जूस बेच रहे थे उन्होंने आम रस और आम पन्ना बेचना चालू किया hmm. और बाकी जो जामुन ड्रिंक एंड अदर ड्रिंक्स निकाली दे ऑल आर इंडियन एथनिक ड्रिंक्स तो दैट वॉज वन ऑफ द लर्निंग जब मैंने एपिगामिया को कवर किया तब मुझे सरप्राइज़ हुआ कि हाउ कम सच अ स्मॉल स्टार्टअप अभी तो एपिगामी इज़ अ बिग वन बट वेन आई कवर्ड इट इट वॉज अ इमर्जिंग स्टार्टअप तो जब मार्केट में अमूल है नेस्ले है इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि कर्ड बेचते हैं और भी कई ब्रांड थे जो योगर्ट भी बेचते थे हाउ कम एपिगामिया इज एबल टू क्रिएट अ बिग नेम देन आई फिगर्ड आउट दे ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी विच इज ग्रीक योगर्ट hmm. कर्ड की कैटेगरी थी योगर्ट की कैटेगरी थी ग्रीक योगर्ट की कैटेगरी नहीं थी तो जब आप कैटेगरी बना लेते हो ना नहीं तो लोग आपको आपके ब्रांड को उसमें एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि hmm. होता क्या है ह्यूमन माइंड एक कैटेगरी में अप टू थ्री ब्रांड्स को रिकॉल कर पाता है ये मैंने आई टीच इन मेनी बिजनेस स्कूल्स ट हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट विथ मेनी स्टूडेंट्स आप किसी भी चीज़ का ले लो लोगों को तीन ब्रांड याद आते हैं कि इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन में तीन ब्रांड याद आएंगे आप चॉकलेट्स ले लो लोगों को तीन ब्रांड याद आएंगे वॉशिंग पाउडर ले लो ये सब कैटेगरीज हैं तीन तीन ब्रांड याद आएंगे चौथा ब्रांड याद करने में बहुत दिक्कत आती है लेकिन इन लोगों ने क्या किया नई कैटेगरी बना के उसमें पहले ब्रांड खुद बन गए तो वैन पीपल विल थिंक अबाउट दैट कैटेगरी ना देयर ब्रांड विल कम इन टू देयर माइंड सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न

बुक समरी चैनल बनाने का सोचेगा तो उसके लिए मुश्किल है क्योंकि right. बहुत सारे लोग आ गए हैं सीके right. right. कई सारे बड़े बड़े चैनल्स बन चुके हैं तो आपको एक नई कैटेगरी बना सकते हो अगर आपको चालू करना है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मे बी स्पिरिचुअलिटी बुक्स के ऊपर एक चैनल बना दो या फिर एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दो और उसके ऊपर बिनाओ तो लोगों को ज़्यादा याद रहेगा जैसे आपने वो एक्सरसाइज से भी बोला ऐसी और भी कुछ एक्जाम्पल्स हैं आपके पास या फिर इससे हटके कोई और इंपॉर्टेंट लेसन जो लोगों को पता होना चाहिए नहीं बहुत सारे लेसन्स हैं इनफैक्ट जैसे लोग क्या होता है जब मोबाइल पे देखते हैं ना ब्रांड्स को तो उनको पॉलिसी बाजार की भी ऐप दिखेगी और बुक माई शो की भी ऐप दिखेगी तो और लोगों को लगेगा कि दोनों डिजिटल ब्रांड्स हैं राइट right? बट मैंने डी किया है कि हाउ दीज टू ब्रांड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वैन पीपल थिंक अबाउट पॉलिसी वॉट काइंड ऑफ इमेजरी कम टू देयर माइंड इंश्योरेंस लेकिन उससे पहले डेथ डिसबिलिटी हाँ। क्योंकि आदमी पॉलिसी क्यों लेता है बुरे वक्त के लिए राइट लेकिन जब लोग बुक माइ शो के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या इमेजरी आती है एंटरटेनमेंट क्योंकि लोग मूवीज मतलब हर वीक जाना है राइट सो इज अ पुल फैक्टर है ना कि मुझे एंटरटेनमेंट का टिकट लेना है अगर आप दोनों बिजनेस का कॉन्टेंट देखो फाइनेंशियल पॉलिसीज इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में लोगों को पढ़ने में बोरियत होती है लेकिन लोगों को एंटरटेनमेंट गॉसिप्स एंटरटेनमेंट कंटेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है सो नेचुरल डिफरेंस है देन लोग पॉलिसी साल में एक बार लेते हैं एंटरटेनमेंट टिकट वीकली लेते हैं राइट hmm. पॉलिसी right? खरीदने की एज बहुत डिफरेंट होती है जब लोग एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि लेट मैं पॉलिसी लूं या फिर एज होती जाती है तो पॉलिसी लेने के बारे में सोचते हैं एंटरटेनमेंट hmm. की टिकट तो पंद्रह साल से लेना चालू करते हैं साठ सत्तर साल की उम्र तक लेते रहते हैं राइट द काइंड ऑफ डेटा that policy bazaar captures about consumers is very different than what book My show captures book My show केवल email id और फोन uh, नंबर लेता है टिकट देने के लिए hmm. तो जब इन दोनों बिजनेसिस में इतना डिफरेंस है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेम नहीं होंगी एम्प्लॉयज़ की अप्रोच सेम नहीं होंगी फाउंडर्स uh, की अप्रोच सेम नहीं होंगी राइट डिफरेंट चीज़ें काम की होंगी दोनों ब्रांड्स के लिए तो ये सारी चीज़ें मैंने जब डी करना चालू किया बिजनेसिस को इतना डीप में अंडरस्टैंड किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑल द टू बिजनेसिस लुक सेम ऑन द मोबाइल फोर और ऑन द टी वी और ऑन द बिल बोर्ड दे आर वेरी डिफरेंट इंटरनली उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी उनके कस्टमर का बिहेवियर डिफरेंट होगा मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बिग बास्केट बिग बास्केट इज इन टू ऑनलाइन इट्स एन ई कॉमर्स कंपनी दैट इज़ इंटू ग्रोसरी अब बहुत लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से आपकी मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी होती है फैशन की डिलीवरी होती है घर पर उस तरीके से ग्रोसरी की डिलीवरी होती है घर में बट mm ग्रोसरी -hmm. और फैशन और मोबाइल जैसी कैटेगरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्रोसरी mm नीड -hmm. है mm -hmm. और फैशन एंड मोबाइल वॉन्ट है mm -hmm. जीशान भाई आप बताइए आपकी टी शर्ट अगर एक दिन लेट आए आप मैनेज कर सकते हो Hmm. आपका मोबाइल एक दिन लेट आए आप मैनेज कर सकते हो hmm. लेकिन घर में मॉर्निंग में दूध टाइम पे नहीं हो hmm. या आपके पास ग्रीक आपके पास वेजिटेबल्स नहीं हो आटा नहीं हो आपका टिफिन नहीं बनेगा राइट right. तो ग्रोसरी इज अ नीड दैट इज रिक्वायर्ड ऑन द टाइम राइट उसके बाद ग्रोसरी में मार्जिन सिंगल डिजिट होता है फैशन एंड मोबाइल में डबल डिजिट मार्जिन होता है hmm. तो अगर मोबाइल ऑफ फैशन आपने रिटर्न भी कर दिया तो कंपनी कैन मैनेज यहां पे सिंगल डिजिट आइटम में ग्रीन वेजिटेबल्स अगर प्रॉपरली नहीं है आपने रिटर्न कर दिए तो कंपनी का नुकसान हुआ राइट right? उसके बाद ग्रोसरीज आर ऑफ थ्री काइंड्स ड्राई ग्रोसरी फ्रेश ग्रोसरी फ्रोजन ग्रोसरी जो आप वॉशिंग पाउडर टूथपेस्ट लेते हो ना वो ड्राई ग्रोसरी होता है जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो ना वो ग्रीन ग्रीन ग्रोसरी होता है फ्रेश ग्रोसरी होता है जो आप आइसक्रीम लेते हो ना वो फ्रोजन ग्रोसरी होता है तीनों ग्रोसरी के लिए सप्लाई चेन अलग होती है क्योंकि टेम्परेचर अलग होता है अब आप इमेजिन करो तीन-तीन सप्लाई चेन मैनेज करना प्रोडक्ट लोगों को टाइम पे देना इज नॉट अ इजी टास्क राइट उसके बाद फैशन आप साल में कितनी बार लेते हो जीशन जीशन भाई आई डोंट नो तीन-चार बार में भी तीन-चार बार मोबाइल साल में कितनी बार लेते हो हार्डली दो-तीन साल में एक बार है ना हाँ. और ग्रोसरी ग्रोसरी तो हमेशा लेना पड़ेगा हाँ एटलीस्ट थर्टी सिक्स टाइम्स इन ही ग्रोसरी इज परचे सो इमेजिन एवरी टाइम अ डिलीवरी पर्सन हैज़ हैजू कम एंड डिलीवर यू ग्रोसरी विथ अ स्माइल एंड सो बिकॉज लास्ट माइल डिलीवरी मैटर्स कंज्यूमर एक्सपीरियंसिस लास्ट टाइम डिलीवरी मैटर्स तो जिस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम अदर ई कॉमर्स कंपनीज राइट इस तरीके के बिज़नेस मॉडल का इस तरीके के बिजनेस का जो मॉडल है जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट होगी राइट आई कैन नॉट से दैट कि जिस तरीके से फ्लिपकार्ट बना जिस तरीके से दूसरे ब्रांड्स बने उस तरीके से बिग बास्केट भी बन सकता है बिकॉज कैटेगरी इज डिफरेंट इट्स ग्रोसरी द नेचर ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी डिफरेंट तो इस तरीके की लर्निंग्स को मैंने बुक में कैप्चर भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है अगर किसी को इन बड़े बड़े ब्रांड से कुछ सीखने वाली बात है कोई एक दो बात अगर आप अगर आप ऐसे कोई बता सकते हो कि यार बिग बास्केट से कोई एक चीज़ सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए या फिर जैसे आप अपना अलग अलग ब्रांड्स के बारे में अब एक एक लेसन दे सकते हो कुछ कि इससे ये चीज़ ज़रूर सीखना राइट आई थिंक एक चीज़ तो नहीं बहुत चीज़ें सीखी जा सकती है पर मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने बिग बास्केट की स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग बात देखी होता क्या है इंडिया में कोई भी ब्रांड बनता है ना तो उसके लिए अमेरिकन रोल मॉडल देखा जाता है दैट्स द नेचर इंडिया में फ्लिपकार्ट बना तो लोगों ने अमेजोन को देखा दे, राइट right. इंडिया में और भी कोई चीज़ बनती है तो लोग देखते हैं अमेरिका में उसका कोई ओला बनी तो ऊबर है अमेरिका में बिग बास्केट के साथ सिचुएशन अलग थी क्योंकि डॉट कॉम बूम के टाइम पे जो कंपनी एक बहुत बड़ा फेलियर थी वेबवैन जो वन बिलियन डॉलर के आसपास वेंचर कैपिटल फंडिंग रहने के बाद बर्स्ट हुई थी हाँ। वो ग्रोसरी डिलीवरी में थी हाँ। तो उनके जो लोग एक एग्जाम्पल जानते थे वो फेमस नहीं था इन फेमस था हाँ फॉर द रॉन्ग रीजन इट वॉज फेमस फॉर द रॉन्ग रीजन तो विच एग्जाम्पल यू विच एनोलॉजी कॉन्फिडेंस इन यू दैट यूल टू डू दैट बिजनेस वेन सच अग कंपनी फेमस कंपनी आफ्टर रेजिंग सो मच मनी फेल्ड सो उस समय मैंने समझा था कि दे फिगर्ड आउट अनदर कंपनी ओकेडो इन यूके विच इज सक्सेसफुल कंपनी इन ग्रोसरी

Hmm. BookMyShow शो के फाउंडर आशीष हेमराजानी को आइडिया आया था अबाउट ओपनिंग एंटरटेनमेंट टिकटिंग का जो बिजनेस uh, है वेन ही वॉज इन साउथ अफ्रीका लिसनिंग रेडियो एड ऑफ सेल्स ऑफ रग्बी टिकट्स अच्छा तो उस एग्जाम्पल को यूज करके ही वॉज एबल टू आर्टिकुलेट हिज विजन टू अदर पीपल ऑल्सो कि जब वहां पे रग्बी की टिकट्स बिक सकती हैं तो यहाँ पे इंडिया में एंटरटेनमेंट की टिकटिंग विच इज़ अग विच वॉज अ बिग प्रॉब्लम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था फिर मूवी की टिकट खत्म हो जाएगी आप फैमिली के साथ गए हो फिर आपको ब्लैक में टिकट लेनी पड़ेगी कई बार लौट के आना पड़ेगा तो दिक्कत थी तो उन्होंने उस एग्जाम्पल को लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया दैट ऑल्सो शोज कि समटाइम्स एग्जाम्पल माइट नॉट बी हंड्रेड परसेंट रेलिवेंट बट यू कैन टेक इंस्परेशन एंड यू कैन यूज़ दैट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन पीपल एंड ये दोनों चीज़ें स्टोरी टेलिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट पीपल आर स्टोरी टेलर्स लाइक शेक्सपियर्स मास्टर स्टोरी टेलर्स आर मास्टर्स ऑफ एनालॉजीज क्योंकि एनालॉजी इज अ कंप्रेस फॉर्म ऑफ अ स्टोरी मैंने आपको बोला वहां पे रग्बी की टिकट्स बिकती हैं यहां पे आपकी एंटरटेनमेंट की टिकटें भी बिक सकती हैं यू कैन विजुलाइज एन अनफेमिलियर वर्ल्ड सो स्टोरीज है आपको मिशन मंगल याद है चन, आ, मिशन मंगल में क्या हुआ था विद्या बालन और अक्षय कुमार कैसा समझाते हैं कि हम हम भेजेंगे आसमान में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजेंगे पूरी का लेके एक्ट वाज एन एनालॉजी तो मैंने इन सारी कहानियों को कवर करते समय देखा कि ऑल दीज फाउंडर्स हैव गुड रिपोजिटरी ऑफ विद विच दे यूज टू एक्सप्लेन फ्यूचर टू देयर एम्प्लॉयज अदरवाइज न्यू कैटेगरी बना रहे हो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो हाउ यू विल मोटिवेट एम्प्लॉयज इन्वेस्टर्स अदर पीपल टू सपोर्ट यू बिकॉज वेन दे डोंट अंडरस्टैंड द your world the way you understand right exactly you need analogies to make that unfamiliar world familiar for others right तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी learning थी, जिसको अब मैं भी use करता hu to use analogies to explain complex concepts and मोटिवेट पीपल टू सपोर्ट मी इन समथिंग वो एक थी अलाउदर इंपॉर्टेंट लेसन था जो मैंने शादी डॉट कॉम में सीखा शादी डॉट कॉम इंडियन कंपनी है hmm. बट आप मुझे एक बताइए कि उनका पहला कस्टमर कहाँ से आया था वट वॉज द फर्स्ट मार्केट सेगमेंट ऑफ शादी डॉट कॉम नो आइडिया So they targeted. अमेरिकन ऑडियंस एनआरआई ऑडियंस बिफोर इंडियन ऑडियंस बिकॉज शादी डॉट कॉम जब इंडिया में चालू हुई थी तो इंटरनेट पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं था ओके। तो एक मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट होता है मार्केट सेगमेंटेशन यू डिवाइड द बिग मार्केट इंटू अ स्मॉल मार्केट टू टारगेट टू द यूजर्स होम यू कैन सेल फर्स्ट हु विल बी ओपन फॉर योर बिजनेस तो शादी डॉट कॉम से मुझे समझ में आया कि दे टारगेटेड एनआरआईस हुआ लिविंग इन अमेरिका अमेरिका में इंडियन चैनल्स पे जो इंडियन टीवी चैनल्स होते हैं उन उनपे एड इन्वेंट्री बहुत सस्ती

सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स मुझे शादी डॉट कॉम से एक बहुत अच्छी चीज़ और मालूम पड़ी द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स दैट वॉज झीशान भाई इफ यू रिमेंबर दैट वॉज एन एरा वैन याहू वॉज द गेट वे टू इंटरनेट दिस इज द प्री गूगल वर्ल्ड राइट तो शादी डॉट कॉम ने उनके साथ कोलाबोरेट किया बिकॉज ऑफ विच याहू गॉट समथिंग न्यू

मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया था कि हाँ स्टोरी टेलिंग अगर किसी को करनी है तो कौन सी चीज़ कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी स्टोरीज़ लोगों को बोलना है कोई कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहता है कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए कौन सी चीज़ों पर उनको फोकस करना चाहिए हाउ कैन दे टेल गुड स्टोरीज़ सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल हैव टू फोकस इज ऑन द फ्रेमवर्क फॉर स्टोरीज एंड दे आर मल्टीपल फ्रेमवर्कस जब आदमी जीरो से चालू करता है और ऊपर पहुंचता है उसको हम कहते हैं रैक टू तो रिचेज स्टोरी hmm. जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी टेलिंग क्राफ्ट मतलब फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है right, right. Uh, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर रैक टू तो रिचेज hmm. उसका फॉर्मूला अलग होता है उसमें चैलेंजेस अलग टाइम पे आते हैं अलग तरीके के आते हैं उस समय उसमें भी आपको मेंटर की जरूरत पड़ती है बिकॉज हीरो कैन नॉट ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ फ्रॉम रैक टू रिचेज हिमसेल्फ देर इज अ मेंटर अ गाइड इज रिक्वायर्ड लेकिन वो सीक्वेंस अलग होता है हर एक चीज का तो वो और जब क्वेस्ट की स्टोरी आती है कि आप गरीब नहीं हो और गरीब आप किसी भी चीज़ में हो सकते हो मार्क्स में हो सकते हो पैसे में हो सकते हो अचीवमेंट्स में हो सकते हो कॉन्फिडेंस में हो सकते हो और बाद में आप अमीर बनते हो उस चीज़ में दैट इज़ वन ऑफ द स्टोरी सेकेंड होता है कि आप गरीब नहीं हो किसी भी चीज़ में पर आपके अंदर इच्छा है कि मेरे को सुपर कंप्यूटर बनाना है Hmm. तो उसके लिए जो Desire. स्टोरी होती है hmm. वो क्वेस्ट स्टोरी होती है जिसका फॉर्मूला अलग होता है okay. तो लोगों को ये फॉर्मूला मालूम होने चाहिए कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी बना रहा हूं एंड अकॉर्डिंगली वो स्टोरी कम्युनिक करते एग्जाम्पल देता हूं हाँ. नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो जब वो पहली बार जेवलिन थ्रो का चैंपियन बना इट वॉज द काइंड ऑफ अ रैक्ट टू इचअ स्टोरी एक अनोन स्पोर्ट्समैन आके इंडिया का नाम रोशन करता है और टॉप तक पहुंचता है अब वो दोबारा बनेगा तो इट विल नॉट अ रैक्ट टू रिचेज स्टोरी इट विल बी अ क्वेस्ट क्योंकि वो अब दोबारा करना चाहता है वही चीज़ उसने वो मुकाम हासिल कर दिया रैक्ट टू रिचेस का लेकिन अब वो उसके अंदर क्वेस्ट है कि मेरे को ये मुकाम दोबारा हासिल करना है तो अब स्टोरी लाइन अलग होगी अब उसका जो सेकंड ओलंपिक विन करने की जो स्टोरी आएगी उसका स्टोरी फॉर्मेट अलग होना चाहिए अब अगर ये आप अलग नहीं करोगे ना तो ऑडियंस बोर हो जाएंगे बिकॉज दे विल नॉट गेट उनको वो फ्रेमवर्क समझ में नहीं आएगा सो दीज फ्रेमवर्क हैव टू भी कैप्टेन जो तो ये फॉर्मूलाज है इसमें कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कोई फार्मूला का या फिर कोई एक जगह जहाँ से लोग सीख सकते कि ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं काइंड ऑफ तो मैंने क्या किया है मैं हर एक फॉमूला को एक फेमस एडवर्टाइजमेंट लेके समझाया है सो so, नाइकी की एक एड आई थी द लास्ट गेम देट uh, इज़ जो कि सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हुई थी हंड्रेड्स ऑन मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे आई थिंक इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर एड ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन फोटीन एरा की देट इज़ बेस्ड ऑन रैक्टू रिचेस तो मैंने जब रैक्ट टू रिचेज़ को एक्सप्लेन किया है तो वो एडवर्टाइजमेंट को डी कोड किया है देन बडवाइजर की एक एड आई थी जिसमें एक पपी है वो चला जाता है अपने मालिक को छोड़ के और फिर वापस आता है दैट इज़ कॉल वॉयज एंड रिटर्न ओके ठीक है भाई फिर आपने बूमिंग ब्रांड्स बनाए उसको सक्सेस मिली कि उसका कैसा था क्या रिस्पॉन्स मिला और फिर डिजिटल स्टार कैसे अपने बूमिंग डिजिटल स्टार यहाँ पे भी है उसकी स्टोरी क्या है आप मनीष भाई से कैसे मिले क्या हुआ वो सब चीज़ें आई थिंक मेरे को भगवान ने मिलवाया है ऊपर वाले ने मिलवाया है सबसे मनीष भाई से आपसे इन सब लोगों से uh, तो हुआ कहता बूमिंग ब्रांड वन काफ़ी हिट हुई आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स इट बिकेम अ बेस्ट सेलर एंड बिकॉज ऑफ विच वैन आई एक्सलर आई अल्मा मैटर रिलीज डेट उसके बाद मुझे बाकी जो रिकॉग्निशंस मिले आई एम्स वगैरह ने मेरे को इन्वाइट किया बूमिंग ब्रांड्स के बारे में बात करने के लिए और मुझे देखा ऑडियंस का रिएक्शन समझ के कि लोग और केस स्टडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं इस तरीके की तो मैंने सोचा कि मैं बूमिंग ब्रांड टू लिखता हूं एंड जो मेरे पब्लिशर थे उन्होंने भी जो रिस्पांस देखा उन्होंने बोला कि आप टू लिखो बिकॉज फर्स्ट का बहुत अच्छा आया है So I reached out to other set of brands, I wrote it and uh, definitely got uh, very uh, nice testimonials from leaders like Mr. Suresh Nayan, who is chairman and MD of Nestle India, Mr. Sunil Kant Munjal, who is chairman of Hero Enterprises, Mr. Harsh Goenka, who is chairman of RPG Enterprise. I got testimony uh, Professor Rishikesh Kishnanj, who is director of I am Bangalore. All these uh, people gave me uh, their kind words as testimonials for the book. बट हुआ क्या जैसे ही बुक आई कोविड आ गया अच्छा तो आई वॉज नॉट एबल टू सी द आउटकम कमिंग आउट द वे आई हैड विजुलाइज्ड मैं घर में बंद हूं किसी को किताबें भेज नहीं सकता लोग कोरियर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सो डेट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग पीरियड सब बंद हाँ। हो गया था सब बंद हो गया था और में अपनी बुक लॉन्च प्लान की थी सब कुछ किया था ऑल द प्लान्स फेल्ड तो जब आप ये सपने देखते हो और टूटते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है और वो पीरियड के सब कुछ नेगेटिविटी थी आस आपके तो समझ में नहीं आना इस फेज से बाहर भी निकलेंगे कि नहीं उसका कोई हाँ. भरोसा नहीं था तो मनीष भाई एंड आई आर गुड फ्रेंड्स तो मैंने बुमिंग ब्रांड्स वन के टाइम पे जो स्टॉक दिया था एंड uh, उससे पहले मैं मनीष भाई से टेडेक्स में मिला था uh, मैसूर में इन्फोसिस के कैंपस में सो so, इस तरीके से हमारी दोस्ती चालू हुई थी और आगे बढ़ती गई तो मैंने मनीष भाई को कोविड के टाइम पे फ़ोन लगाया था कि मनीष भाई समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट क्या कर सकते हैं क्योंकि ये और मैं काफ़ी uh, डिप्रेसिव मूड में था Uh, कि मुझे लग रहा है कि इन बुक्स को की जर्नी को एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी बिकॉज बूमिंग ब्रांड का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था मैं बूमिंग ब्रांड टू करके और आगे बढ़ना चाहता था इस जर्नी में वो सपने टूट रहे थे माहौल ख़राब था मेरी डॉटर छोटी सी थी उस टाइम पे लेस देन वन ईयर ओल्ड थी hmm. तो मेरे को लग रहा था कि मैंने ये सब किया एंड uh, uh, आउटकम्स नहीं आ रहे हैं नेगेटिविटी हो रही है एंड एज अ फ्रेंड आई वाज शेयरिंग विथ हिम ऑल दीज थिंग्स एंड ही यूज्ड अ वेरी पावरफुल कोट ही सैड हर्ष भाई जब बुरा वक्त आता है ना तो कई लोग टूट जाते हैं पर कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी भी करते हैं हर्ष भाई आप रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी करो तीसरी किताब लिखो hmm. मैंने बोला मनीष भाई तीसरी किताब कैसे लिखूं सारे ब्रांड्स ब्लीड कर रहे हैं इस टाइम पे कोविड के टाइम पर किसी की सप्लाई चेन खराब हो गई थी तो किसी की मार्केटिंग खराब हो गई थी hmm. मैंने कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अप्रोच ब्रांड्स की तो बोले कि थिंक अबाउट यूट्यूबर्स and uh, in that conversation uh, we discussed that bollywood was not working at that time almost closed uh, tv serials were almost closed uh, cricket matches were almost closed all the sources of entertainment were almost closed but youtubers were constantly producing content right and creator economy was that was the point when creator economy was about to boom mm -hmm. so we both discussed why not to write booming digital starts mm -hmm. uh, which is a book about द बूम ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी इन इंडिया एंड सो या दैट वॉज द इंसेप्शन पॉइंट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम था जीशान भाई कि बूमिंग डिजिटल स्टार्स कितनी बढ़ी जाएगी बाई गॉड ग्रेस इट बिकेम अ नेशनल बेस्ट सेलर एंड डेफिनेटली क्रिएटिव आर्टिस्ट लोगों से मिलने का मौका मिला भुवन भाम से की स्टोरी कवर करी ही अप्रिशिएटेड द बुक आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे वेन वी गॉट द फर्स्ट कॉपी वी हैट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ अ लॉन्च ऑफ द बुक विद भुवन एंड रोहित एंड uh, हर एक स्टोरी अपने आप में बी यूनिक की स्टोरी कविता uh, मैम की स्टोरी कबिताज किचन एवरी स्टोरी हैज़ लॉट ऑफ इंस्परेशन कैसे आई मीन यू आर वन ऑफ देम आप लोगों ने अपने लिए जो रास्ता बनाया आई I मीन mean, आज तो लाइक बिकमिंग अ अ यूट्यूबर इज क्रेज लेकिन जब आप लोगों ने चालू किया तब उतने रोल मॉडल्स नहीं थे right. इंडिया में एंड द काइंड ऑफ करेज यू आज आप लोग रोल मॉडल हो hmm. लोग आपको देखते हैं सीखे का चैनल देख के सोचते हैं कि मैं एक बुक से रिलेटेड चैनल बनाऊंगा right. जब आपने बनाया था उस टाइम पे तो इंटरनेट की बैंडवेथ कितनी एक्सपेंसिव uh, थी राइट right. right? आज तो ये सब जियो से पहले की कहानियां हैं hmm. hmm. मतलब एटलीस्ट चालू जियो से पहले किया था मतलब आप थोड़ा सा ना पहले की बात है हम लोग हम लोग ने स्टार्ट किया था विजन वही बाहर से देखते थे बाहर के चैनल्स को हम लोग देखते थे हम लोग देखते थे कि यहाँ चल सकता है हो सकता है तो एक इंडिया में कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इतना नहीं था बट मुझे इतना था कि यार एक ज़रिया है जहाँ से हम लोग लाखों लोगों तक पहुँच सकते थे वाई नॉट यूज़ इट पहले आपको अगर लाखों लोगों तक पहुँचना था तो वर लॉर्ड ऑफ गेट कीपर्स आपको एम टी वी पर जाना है तो बहुत सारे लोगों के बीच में से होते हुए गुजर के आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती कि आप लाखों लोगों तक पहुँच सकते थे बट यूट्यूब एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यूट्यूब ने भी दी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है वो कि कोई भी इंसान चाहे वो गांव में रहता है शहर में रहता है लड़की लड़का कोई भी रेस रिलीजन का हो हम लोग मोबाइल उठा के अपने वीडियोस बना सकते हैं और चल सकता है इट्स वेरी नाइस भैया ये ने, बात आपने बिल्कुल सही कही एंड बिफोर यू आज अ नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू मैंशन वन पॉइंट भुवन रिजेक्ट हुआ था अराउंड नाइन टू टेन ऑडिशंस में आशीष चंचलानी रिजेक्ट हुआ था अराउंड नाइन टू टेन ऑडिशंस में यशराज मुखाते रिजेक्ट हुआ था बहुत फेमस म्यूजिक uh, कॉन्टेस्ट से राइट ऑल दीज पीपल क्रिएटेड देयर पाथ बिकॉज डेफिनेटली देअ विल पावर एंड जो आपने बोला ना कि यूट्यूब में गेट कीपर नहीं है सो यू कैन शो केज यूर टैलेंट एंड यू नो वॉट क्रिएटेड इकोनॉमी का पावर क्या है इंडिया के रिमोटेस्ट एरिया से अगर बंदे में टैलेंट है ना तो वो उभर के आ सकता आ है। सकता है मतलब एक अपॉर्चुनिटी है ऐसा नहीं अब आप, आपके पास वो इतने एक्सक्यूजेज नहीं बचे एक्सक्यूजेस हाँ, कम है भाई हाँ, ऐसा नहीं है भुवन बाम ने मोबाइल से स्टार्ट किया हाँ, था और ऐसी अब देखोगे तो गाँव गाँव के मैं देखता हूँ गाँव गाँव के वीडियो उस पर इतने मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं वो आपने देखा गाँव में वो लोग लो बनाते हैं खूब सारा खाना बनाते हैं और लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इट्स अ कॉन्सेप्ट जो गाँव वाले लोग कर मतलब कर रहे हैं बट दे आर अर्निंग ऑल्सो गुड इन दियर डूइंग समथिंग सो पावरफुल तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर हम लोग जी रहे हैं और आप लोग अगर इंटरेस्ट रखते हो आपके अंदर टैलेंट आपको लगता है कि अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ जैसे मुझे बुक्स में इंटरेस्ट है आपको अगर जैसे भाई को ब्रांड्स में इंटरेस्ट है आपको भी कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो गो फॉर यार उसके बारे में सीखो उसके ऊपर कॉन्टेंट बनाना पता नहीं दो तीन साल बाद चार पाँच साल बाद में भी आप भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो इसमें पता है एक चीज़ है आप लोग भी ब्रांड हो लोग कहते हैं यूट्यूबर्स कॉन्टेंट क्रिएटर्स यू भुवन बाम आशीष चंचलानी ऑल प्राजक्ता ऑल यू आर पर्सनल ब्रांड्स आज ब्रांड्स आपके साथ कोलेबोरेट करना चाहते हैं यू गाइज हैव बिकम एंडोर्सर्स फॉर ब्रांड्स राइट बिकॉज आपके पर्सनल ब्रांड की आपने इक्विटी बनाई है अपनी मेहनत से राइट right? एंड ये एक ऐसा भी प्लेस है जहां पे अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है तभी लोग आपको वैल्यू करते हैं आज आपके फोर मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं बिकॉज लोगों को आपका क्राफ्ट पसंद आता है लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता है एंड दिस ऑडियंस आर जेन्यूविन अगर उनको नहीं पसंद आता है तो वो बोलेंगे नहीं आता है आता है तो आपको बोलेंगे आता है यू अंडरस्टैंड दीज कमेंट्स एंड कम अप विथ न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेंट तो बहुत मेहनत लगती है मैं बताऊँ आप सभी लोगों को बूमिंग डिजिटल स्टार्स पढ़ के इंस्पिरेशन मिला होगा क्रिएटर इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे उसको सुन के इंस्परेशन मिला होगा लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग क्या है आप लोगों को तब देखते हैं जब आप एक बटरफ्लाई बन चुके हो एंड पीपल से कि जिशान आज फ्लाई कर रहे हैं भुवन आज फ्लाई कर रहे हैं लाइक अ बटरफ्लाई फ्लाई एवरीबडी कैन सी द कलर्स बट दे डोंट नो द कैटेपलर स्टेज वैन यू स्ट्रगल्ड सो पीपल शुड रियलाइज दैट कि की स्टेज होती है वे लॉट ऑफ हार्ड वर्क ये ग्लैमर बाद में आता है राइट ये चीज दिखती नहीं वही ना बोलते ना सक्सेस ना बोलते ना कई बार आइसबर्ग का है ऊपर हाँ। से दिखता है छोटा सा जो रिकग्निशन अवार्ड या पैसे आ रहे हैं जो भी मे बी स्टूडियो वीडियो बन गया वो सब दिख रहा है बट पहले की स्टोरी भी है वो भी आप जरूर देखो इसलिए अगेन यहाँ पे भी स्टोरीज बहुत काम आती है कई बार लोग रिलेट कर पाते हैं उस चीज से क्या जैसे मैं भी एक छोटे से घर से आया हुआ तो जितने भी लोग वो लोग रिलेट कर पाएंगे लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए यूट्यूबर्स का तो एक अलग अलग लेवल ऑफ कनेक्शन में बैठ जाता जो कई बार ना सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कई बार नहीं हो पाता क्योंकि सेलिब्रिटीज़ सिर्फ मूवीज़ बना रहे दूसरों की स्टोरी बता रहे बट हम यूट्यूबर्स जब चाहे अपनी स्टोरी बता देता है तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांड के लिए भी मुझे लगता है अपनी बनाने के लिए स्टोरीज भी अगेन बहुत काम आती है एक चीज़ और है Uh, कि ना जो बार बार दिखता है hmm. उससे लगाव ज्यादा हो जादा जादा जाता होता, है राइट फिल्म स्टार्स की मूवीज आती है साल में एक दो ah, right. और एक दो एड्स आएंगी राइट थोड़ी ज्यादा भी आ सकती हैं क्रिकेट मैचेस लिमिटेड होते हैं साल में hmm. आप लोग हफ्ते में एक hmm. महीने में दो तीन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट पोस्ट करते हो right. अपने ऑडियंस के लिए सो द अमाउंट ऑफ इंट्रेक्शन दैट दे हैव यू इज मच हायर देन ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी राइट इसलिए हाँ इसलिए भी लव एंड अफेक्शन ज़्यादा है कनेक्शन ज़्यादा है रिलेटिबिलिटी तो है बट उसके बाद जो ये कॉन्स्टेंट hmm. uh, होता रहता है ना कनेक्शन वो भी बहुत हेल्प uh, करता right. है राइट कंसिस्टेंसी एक बहुत प्यारी चीज होती है अगर कंसिस्टेंटली हम लोग मिल रहे हैं तो हमारे लेवल ऑफ ट्रस्ट दोस्ती हर एक चीज़ अलग बढ़ जाती है तो यूट्यूबर्स का ये हम लोग बहुत कंसिस्टेंटली आता रहता है अगर जो है। लोग जो यूट्यूबर्स कंसिस्टेंटली बनाते हैं इसलिए व्लॉगर्स लोगों का एक अलग ही वो बन जाता है जो डेली व्लॉगिंग करता है इट्स वेरी हार्ड वर्क लेकिन एक अगर बैठ जाता तो है तो लोग रोज देख रहे हैं हाँ तो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं लोग कहीं ना कहीं राइट right. और वो लेवल ऑफ ट्रस्ट ये सब हर एक चीज़ बढ़ जाती है तो ये एक चीज़ है आपने जब डिजिटल बूमिंग स्टार्स लिखी तो उससे कुछ कुछ लेसन आपने सीखे जो क्रिएटर्स के कोई ऐसे लेसन है जो लोगों को आप शेयर करना चाहोगे कि यार होम बन की ये चीज़ बहुत अच्छी थी जो मुझे लगता है आप लोग को भी अपने अंदर लानी चाहिए अच्छा क्रिएटर बनने के लिए या फिर ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स दे बता सकते हो एक करके मे भी तो डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर परसिस्टेंट इंक्लूडिंग यू मतलब एक बार में सफलता नहीं मिलती लेकिन आप लोगों की क्वालिटी जिनको मैंने बुक में लिखा है या अबाउट यू द क्वालिटी इज़ दैट कि आप लोग हार नहीं मानते हो आप लोग नए नए क्रिएट एक आइडिया नहीं चलता ना आप लोग नया आइडिया लेके आते हो तो वो परसिस्टेंस बहुत है दूसरी चीज़ जो मुझे लगी एवरी क्रिएटर हैज़ ट्राइड टू डिफरेंशिएट हिमसेल्फ इन द मार्केट कॉमेडी अगर मैं भुवन माम की भी बात एंड अ मार्केटिंग प्रिंसिपल बिकॉज दिस इज अ बुक अबाउट पर्सनल ब्रांड्स इवन वॉटन प्रोफेसर कार्तिक हौसना अगर इट्स इट एज अ बुक फॉर पर्सनल ब्रांडिंग इन द डिजिटल एरा सो uh, so, uh, जैसे भुवन का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉमेडी बहुत ही क्राउडेड कैटेगरी है मतलब जसपाल भट्टी के टाइम से देख लो कॉन्टेंट अराउंड कॉमेडी भरा पड़ा है हर एक सिटी में कॉमेडी शोज होते हैं लाइक like, उसके बाद किसी ने अपना मुकाम बनाया उतने क्राउडेड स्पेस में कैसे उस चीज़ को मैंने जब डी कोड करने की कोशिश करी सो आई रियलाइज दैट ही डिड मेनी थिंग न्यू मेनी न्यू थिंग्स टू डिफ्रेंशिएट हिलसर लाइक नाइन्टीन कैरेक्टर्स लेके आना

बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स गेटिंग इन टू लीगल एग्रीमेंट्स नेगोसिएशन मैनेजिंग पीपल मैनेजिंग वेन्यूज एक आदमी नहीं कर सकता भुवन के साथ रोहित आए तो उसके करियर की ट्रैजेक्टरी को एक डिफरेंस मिला इवन uh, रणवीर के साथ विराज है प्राजक्ता के साथ वन डिजिटल एंटरटेनमेंट है तो दे ऑल हैव मैनेजर्स एंड सपोर्ट सिस्टम अराउंड दैम टीम अराउंड दैम लाइक मैं टीम नाच को कवर किया वैन यू वैन आई यूज़ द वर्ड टीम आई थॉट टू थिंक अबाउट टीम नाच सो so, लोग सोचते हैं कि वो डांस कर रही हैं दो गर्ल्स निकोल और सोनल सो so, डांस के लिए वाई यू नीड अ टीम टू क्रिएट अ डांस चैनल बट कैमरा के एंगल्स होते हैं वेन्यू होता सेटअप होता है कोई आपको चीज पास से दिखानी है कोई दूर से दिखानी है राइट hmm. कॉस्ट्यूम्स right? uh, होते हैं म्यूजिक होता है ऑल दीज थिंग्स यू नीड अ टीम राइट वन पर्सन कैन नॉट डू एवरी थिंग सो दैट वॉज समथिंग आई लर्न की दिस लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग विच मैनी पीपल आर नॉट एबल टू गेज वैन दे सी ओनली वन पर्सन और द क्रिएटर ऑन भाई आपने जो दो बात दोनों पॉइंट बोले मेरे हिसाब से दोनों बहुत जरूरी है और मैंने पर्सनली दोनों एक्सपीरियंस भी किया है मेरा चैनल भी चला बिकॉज उसमें नावल्टी थी right. एक नावल्टी बायस होता है हमारे दिमाग को नावल चीज़ें नई चीज़ें बहुत पसंद आती है तो मेरा वाइट बोर्ड एनिमेशन एक नया स्टाइल ah. था तो वो बहुत जल्दी ग्रैप किया ah. वैल्यूबल भी था नया भी था तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्वीट स्पॉट होता है तो वो बहुत जल्दी की मतलब बूम करता है बेसिकली और फिर दूसरी चीज़ देखा आपने टीम को मैंने भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं कॉन्टेंट क्रिएट कर सकता हूँ बट टेक वैक में मैं बहुत बुरा हूँ मुझे नहीं कर सकता right. इसलिए मेरा भी एक पार्टनर है फैसल वो पूरा टेक सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज्ड हाँ. ज्यादातर ना क्रिएटिव लोग ऑर्गेनाइज नहीं रहते कम ऑर्गेनाइज रहते मैंने ऐसा नोटिस किया एक पर्सनैलिटी ट्रीगनाइज क्योंकि क्रिएटिव हमें सोचते क्रिएटिव लोग थोड़े से अनऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि कहीं ना आई डोंट नो वाई एक्जैक्टली इसके पीछे कुछ क्रिएटिव लोगों लो को एक्सपेरिमेंट्स भी तो कितने करने पड़ते हैं हाँ वही दैट्स दट हम कोई बॉक्स में डिफाइन नहीं हो पाते हैं हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर मैं सब थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है दिमाग में भी और कई बार वो रियलिटी में भी दिख दिखे हाँ। आती है मेरे को यशराज ने बताया था हाँ जब मैं उसका इंटरव्यू लिया था यशराज मुखाते कि मेरा जो सक्सेसफुल कंपाइलेशन uh, का जो फोल्डर है दैट इज स्मॉलर देन द थिंग्स डेट है फील्ड

मस्क को देखे तो मस्क की कंपनी चल पा रही है उसके पर्सनल ब्रांड की वजह से आज वो कोई बंदा परफ्यूम भी बेचता है बर्निंग हेयर तो वो ऐसे बिक जाती है बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल ब्रांड है उस बंदे का मिस्टर बीस को देखेंगे तो उसका कितना पर्सनल ब्रांड है वो बर्गर्स बेच रहा है बर्गर उसके खत्म हो जा रहे हैं उसका वो रिफिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें जरूरी है लोगों को अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं तो जिशान भाई लोगों का ना एक मिथ है लोगों को लगता है पर्सनल ब्रांड बनता है बेस्ड ऑन द सोशल मीडिया फॉलोइंग ये एक मिथ है पर्सनल ब्रांड बनता है व्हेन यू आर नोन फॉर समथिंग वैन पीपल बिकॉज पीपल शुड कंसिडर यू स्पेशलिस्ट इन सब पर्टिकुलर एरिया देन दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट लाइट बिकॉज वैन पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर समथिंग देन ओनली ब्रांड्स विल से कि हाँ दिस क्रिएटर विल से दिस पर्सनल ब्रांड विल से समथिंग सो पीपल विल लिसन सो लेट्स कोलेबरेट विद हिम सो वन थिंग इज दैट यू शुड भी नोन फॉर वन थिंग हाँ ये अलग बात है कि आज की डेट में मिस्टर बीस्ट या जो बड़े हो गए हैं क्रिएटर्स या फिल्म स्टार्स दे कैन टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स बट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड दैम

कंटेंट से ब्रांड बनता है ये तो है पर उस कंटेंट में डेप्थ जाने के लिए यू नीड टू स्पेशलाइज इन सम सर्टेन फील्ड सो ये एक कोर प्रिंसिपल लोगों को ध्यान में रखना चाहिए दूसरा लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए ऑलवेज बी हम्बल आपको अगर पर्सनल ब्रांड बनना है ना यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटिंग एवरी टाइम राइट बिकॉज मार्केट में नई नई चीजें आ रही हैं यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग यूर सेल्फ एंड हैव टू कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस Uh, वो इंटरनल अगर आप सी तो एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो आपके ऑडियंस uh, भी हो सकते हैं सोशल मीडिया पे बट इंटिल अनलेस यू डोंट गिव देम न्यू थिंग्स जैसे आप भी करते हो यू कीप ऑन कमिंग अप विद द न्यू एप्स और चैट जीपीटी और एआई टूल्स के मैं बताते हो योर कॉन्स्टेंटली टेलिंग योर ऑडियंस अबाउट समथिंग न्यू कमिंग अप Hmm. पर जब आपने स्टार्ट किया था यू वर नोन फॉर बुक्स नाउ यू बिकम अ बिग क्रिएटर सो यू कैन डू फ्यू अदर थिंग्स है ना hmm. पर लोग सोचेंगे कि जीशान भाई आज इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं आज से ही चालू कर विल दूट राइट बट मैं ना सच बोल तो ये मेरी गलती भी है मुझे लगता है मैं मैं खुद रियलाइज करता हूँ कि ब्रांडिंग के लिए चीज अच्छी नहीं है मुझे दस चीज नहीं करनी चाहिए इसलिए अगेन मैं थोड़ा और फोकस करूँ कि बुक सी कैन जस्ट फॉर बुक्स नथिंग एल्स होना चाहिए वो उसमें थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा थी बट जहां पर्सनल ब्रांड की बात आती है ना उसमें थोड़ा मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन डिफाइंड रहेगा तो ज्यादा पावरफुल रहेगा अगर मैं जीशान सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएशन जैसे मैंने अभी नीच डाउन कर लिया है मेरे को समझ में आ गया कि मैं ना किसके लिए मैं खड़ा होता हूं मैं दो चीज के लिए खड़ा हूं अपनी जिंदगी में एक बुक्स है और एक कॉन्टेंट क्रिएशन दैट्स अब मैं ये, अब इससे रिलेटेड मैं करूं जैसे सीकेन है पूरा बुक्स से रिलेटेड अगर चैनल है डी बी सी पॉडकास्ट यहाँ पर मैं सबको कॉन्टेंट क्रिएटर बनने के लिए फोकस करता हूँ तो कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी मैं वो सीखूंगा सिखाऊंगा यही चीज़ मैंने नैरो डाउन करी है और चीज़ों में नहीं जाना अब हाँ उसके सब कैटेगरी में कई बार ए आई आ सकता है उसके सब कैटेगरी में कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ आ सकती है लेकिन आई स्टैंड फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन ये मुझे समझ में आ गया इसके ऊपर मैं फीडबैक भी चाहूँगा आपको क्या लगता है सही थोड़ा जो तो झीशान भाई मैं बात बोलूँगा ना एक अच्छे ब्रांड की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में मुझे कुछ चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है एरोगेंस नहीं होता एक अच्छे ब्रांड में एरोगेंस नहीं होता एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज दैट आई एडमायर इन यू दैट यू हैव दैट ह्यूमिलिटी दैट इवन आफ्टर बीइंग सच अ बिग क्रिएटर यू कॉन्स्टेंटली फिगर आउट कि ये सही नहीं कर कर रहा हूँ इसको मैं ठीक करूँ गलती किससे नहीं होती बड़े बड़े ब्रांड्स एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो नहीं चलता हैं उसको वापस ले लेते हैं right, right. तो ह्यूमन अगर वो बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है वो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको वापस लेते हैं बिकॉज दे रियलाइज दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम नीच बिकॉज एट दैट टाइम वॉट वी थॉट अपियर डिफरेंटली वैन वी केम इन द मार्केट दैट कैन हैपन विद द पर्सनल ब्रांड ऑल्सो ना एंड वैन यू आर रिकोगजिंग एट टेकिंग द करेक्टिव एक्शन विच इज ग्रेट राइट तो ये ये चीज़ हमेशा वही आप ध्यान रखो आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो और उस चीज़ के लिए पूरे दिल से जाओ तो आई थिंक पर्सनल ब्रांड अपने आप धीरे धीरे बनना चालू होगा और प्रैक्टिकल चीज़ देखो मैंने भाई नोटिस किया है तीन चीज़ें मेरे को अभी तक फिगर आउट हुई है कि पर्सनल ब्रांड के लिए अच्छी होती है जैसे कि एक बुक लिखना अगर आप बुक लिख सकते हो तो क्योंकि बुक लिखने के लिए आप गंदी बुक लिखोगे तो खैर चलेगी ही नहीं अगर आप एक बहुत अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक लिख सकते हो किसी एक टॉपिक के ऊपर मेरे हिसाब से आप वो चीज़ के थोड़े महारती हो तभी आप लोग किया तभी वो चल भी रही है ना राइट कहीं ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है तो एक बुक लिख सकते हो कॉन्टेंट बना सकते हो सोशल मीडिया पर आकर जो भी आपका ब्रांड है मे भी से रिलेटेड बुक से रिलेटेड बातें करो या फिर अगर आप टेक्स से रिलेटेड कोडिंग से तो कोडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाओ और थर्ड चीज़ है ये पॉडकास्ट पे आओ अलग अलग पॉड अगेन आप कोलेब्रेशन करो ताकि लोग आपके बारे में धीरे धीरे जानें तो ये तीन चीज़ें मैंने अभी तक फिगर आउट है कि हाँ पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए तीन चीज़ें करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है आपका पर्सनल ब्रांड right. इसके ऊपर कुछ फीडबैक या कुछ आप हाँ इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा जो मैंने किताब में भी कवर की है एंड विथ योर कमेंट्स आई रिकॉर्ड इट होता क्या है ना जब हम पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए जाते हैं तो हम सबसे फेमस लोगों को देखते हैं और वो फेमस लोग जिन कैटेगरीज में एक्टिव हैं हमको लगता है हम भी उसी कैटेगरी में चले जाएँ hmm. अब लेकिन आप मुझे एक बात बताओ इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस गेम है अगर नीरज चोपड़ा सोचता मैं भी क्रिकेटर बन जाता हूँ तो ही वुड हैव एंटर्ड इनटू अ क्राउडेड कैटेगरी बट उस जेवलिन थ्रो में गया विच इज टोटली न्यू थिंग उसने रिस्क लिया और उस नई फील्ड में अपना नाम बनाया तो अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो ना ऑल्सो रियलाइज दैट वेदर यू आर गेटिंग इन अ क्राउडेड फील्ड और वेदर यू आर गेटिंग इन टू अ फील्ड विच इज इमरजिंग विच इज न्यू वेर यू कैन क्रिएट यूर यूनिक वो एक आ, ध्यान रखो दूसरा जो आपने कोलाबोरेशन की बारे में बात करी आ, तो जब मैंने अभी न्यू की स्टोरी कवर की थी तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया था विच दे शेयर विथ मी द कोलेबोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फेवर कोलेबोरेशन मीन्स बोथ पार्टीज ब्रिंग समथिंग ऑन टू द टेबल है ना hmm. तो First and foremost, if you want to grow, you should collaborate with people who are doing something better than you, who are bigger than you in the craft in which you want to pursue your career. But at the same time, you should understand that that person has given a lot of effort in building his personal brand, relationships, network in that area. So when you are collaborating with that person, you should be ready to put so much hard work. That person sees that there is any टिंग विद अदर पर्सन इफ आई एम ब्रिंग माई रिलेशनशिप इफ आई एम ब्रिंगिंग एंड चाहिए अगर कोई बंदा ऐसा किया मैं लाखों लोगों को लेकर आने वालों तो आप सिर्फ दस हजार को लेकर आने वाले हो तो वो फेर नहीं है कहीं ना कहीं विन विन नहीं विन लूज सिचुएशन हो रही है तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि सामना लेता है तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही लेके आओ इसकी वजह से कई बार कोलाबोशन एक दो बार तो होती है लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं हो पाते क्योंकि होता कि नहीं वो नहीं हो पा रहा है लेकिन अगर अच्छे से बैठ कर स्ट्रॉन्ग अच्छा, टेबल पे लेके आ रहे तो वो भी होता और सच तब जा मुझे भी और एक बात है लोगों को ना डिफरेंस समझना चाहिए रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन में न, लोगों को क्या लगता है कि मतलब ट्रांजेक्शन हो जाए काम हो जाए मैं ये कहता हूं रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहिए एक बार रिलेशनशिप बन गई ना तो कई चीज़ें हो जाएंगी जो आपने अभी इमेजिन भी नहीं की होगी बिकॉज यू डोंट नो वॉट यूनिवर्स हैज़ प्लान यूर फॉर यू बट इफ़ यू आर गेटिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द राइट सेट ऑफ पीपल हु हैव द राइट माइंड सेट सामने वाला भी आपके बारे में अच्छे से सोचेगा बिकॉज रिलेशनशिप है right. आप भी सामने वाले के बारे में अच्छे से सोचोगे क्योंकि रिलेशनशिप है राइट hmm. right? और कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो कभी आपने पहले प्लान नहीं की थी और वो, वो बहुत बड़ी होंगी जो आप प्लान कर रहे थे कि ये ट्रांजेक्शन हो जाए सो hmm. so, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप के लिए सोचते हो ना तो आप सोचते हो कि सामने वाले की लाइफ में मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जब आप ट्रांजेक्शन के लिए सोचते हो तो आप सोचते हो सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता हाँ, है कितना मिल जाए बस वही एक गिवर्स मेंटेलिटी टेकर्स मेंटेलिटी तो वो टेकर्स मेंटेलिटी कई बार हो जाती है कितना मिल जाए बस और वो सही अप्रोच कई बार नहीं होता गो गिवर करके एक बुक है उसके अंदर तो ये पूरा क्रक्स निकला कि आप गो गिवर बनो ये चीज में मनीष भाई की भी काफी अच्छी लगती वो ही, मैं जब भी गो लगता है, है। हाँ। खुद का कुछ नहीं सोचते चल रहे थे कि वेरी नाइस में वो बहुत अच्छे लगता है। ये और ये होना भी चाहिए अगर आपको एक बड़े लेवल पे मेरे हिसाब से जाना है, तो है जीशान भाई मैं आपको एक बात बोलूँ हाँ हाँ अच्छे लोगों को भगवान अच्छे लोगों से मिलवाता है आप अच्छे हो हाँ इसलिए ऊपर वाला आपको अच्छे लोगों से मिलवाता है अच्छा हाँ नहीं मैंने एक नोटिस किया भाई हम जब से बात कर रहे हैं यूनिवर्स और ये सब चीज़ की आप काफ़ी बार बात करते हो तो ये एक हमारे इधर टॉपिक भी है डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अगर किया देन क्यों और उसकी कुछ स्टोरी कुछ शेयर करना चाहो नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ पर इसमें मुझे फेथ दिलवाया मेरी वाइफ ने क्योंकि मेरी आदत क्या थी मैं मैं नेगेटिव सोचता था क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था सेल्फ डाउट लेवल बहुत ज़्यादा था तो मैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा मुझसे नहीं होगा तो उसने मुझे समझाया था कि तुम जिस तरीके से सोचते हो ना उस तरीके से तुम यूनिवर्स में सिग्नल भेजते हो एंड दैट रिस्पॉन्स सो पॉजिटिव सोचो एंड ट्रस्ट मी जो तुम कर रहे हो उसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू वॉट यू आर प्रोडिक्टिंग इन योर माइंड कि ये नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो उस समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना नहीं मामता हो सकता है उसने पढ़ी हो और मुझे बताया हो आपके वीडियोस देख के मुझे थोड़ा सा और समझ में आया बट uh, जैसे ये पोलो कैलो का जो कोट है कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग द होल यूनिवर्स यू हैव अ ड्रीम द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव दैट ड्रीम वो उसने मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाया था जब मैं अपनी पहली बुक के लिए स्ट्रगल कर रहा था आपको क्या लगता है एक ब्रांड को फ़ोन लगाया हुआ बुक माइशो को वो तुरंत मान गया होगा कि हाँ हर्ष आ जाओ ऐसा नहीं हुआ था पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम की थी यूनिवर्स की पावर काम की थी तभी इतने फाउंडर्स जिनका टाइम इतना प्रीशियस है उन्होंने मुझे दो दो तीन तीन चार चार घंटे दिए राइट ये प्रोसेस के बाद तो हमने बात ही नहीं की हमने सिर्फ ऐसा बता दिया कि बूमिंग ब्रांड में बना सबका हमने नाम ले लिए आप आ, इसका प्रोसेस थोड़ा बहुत बता सकते हो कितनी मेहनत लगी और कैसे आपने अप्रोच किया ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने अचीव करी राइट हाँ मतलब अगेन मैं कहूँगा यूनिवर्स ने करवाया क्योंकि अगर आप मेरे को बोलो कि हर्ष भाई आप वही जर्नी दोबारा से ट्रैवल करोगे मुझे नहीं मालूम कि मैं उसी तरीके से ट्रैवल कर पाऊँगा क्योंकि अभी तक जो हुआ चाहे मेरा हर्षा भोगले से मिलना हो चाहे मेरा मिस्टर अमिताभ कान से मिलना हो चाहे मेरा या जैसे अभी वेस्टलैंड ने मेरी बुक पब्लिश करी आ, उसके पहले सी ने मेरी बुक पब्लिश करी ये सब कैसे हुआ किसने करवाया मैं तो नहीं कर सकता ना ही मेरे पास कोई पेरेंटल कॉन्टैक्ट्स थे आ, मैं तो बॉम्बे में आया था छोटे शहर से मुझे नहीं किसी को जानता था कैसे हुआ मुझे आज भी लगता है मैंने तो नहीं किया किसी हो गया है ऊपर वाले ने करवाया है राइट right. और कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दो यूनिवर्सल पावर बोल दो ऊपर वाले की दुआ बोल दो <laughs> उसको क्रैक नहीं कर सकते उसको नहीं क्रैक कर, कर सकते बस ये था कि मुझे ये चीज़ करनी है और वो दिमाग मिस्टीरियस वे से काम करता है टोनी रॉबिन्स वे इसके बारे में बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कई बार ना बहुत या तो एकदम नेगेटिव या तो एकदम पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है मुझे ऐसा लगता है कि यार एवरीथिंग लाइज इन द मिडिल नान एकदम कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में जाना चीज़ सही नहीं होती है तो कुछ ना कुछ सच्चाई है कुछ ना, कुछ ना कुछ नहीं भी होता है जैसे कि लोग अगर एक, एक एक्सट्रीम में बोले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बैठ बैठ के सोचते रहो कि यार आप बिलियनर बन जाओगे तो नहीं होगा आपने ऑब्वियसली सोचने के बाद बहुत सारा कर्म करना तो जरूरी है right. क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप कर्म से अपने हाथों की लकीरों को चेंज कर सकते हो अब वो कितनी बार सच थी मुझे नहीं मालूम बट कॉन्फिडेंस तो देती है कि आप जिस आ, मतलब जो आपका भविष्य लेके पैदा हुए हो जो कि हम जन्म कुंडलियों में देखते हैं नॉल लोग मेहनत करके चेंज करते हैं राइट लोग मेहनत करके चेंज करते हैं तो कह तो कर्म की पावर होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये होगा कि मैं यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल भेज रहा हूँ मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मैं एक पॉजिटिव सिग्नल भेज रहा हूँ कि मेरा वहाँ पे हो जाएगा हाँ। लेकिन आंसर तो मुझे वहां पे देना पड़ेगा ना मेरे पास क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। ना तो पड़ेगा ना वहाँ पे आपको इंटरव्यू अब मैं आज सोचूं कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा या क्रिएटर इकोनॉमी में बहुत फेमस हो जाऊंगा लेकिन रोज सुबह उठ के मुझे स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी ना वीडियो के सामने तो बैठना पड़ेगा ना ऑडियंस से इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा ना राइट वही मैं नोटिस करता हूँ लोग कई बार ना बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं ऐसा है नहीं अब थोड़ा डेप्थ में जाओ और मुझे तो एकदम सिंपली ऐसी लगता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा कि यार आप हमारा दिमाग जिस आप जिस डायरेक्शन में सोचोगे ना हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता रहता है एज सिंपल एज दैट अगर आपको चाहिए कि यार आप यूट्यूबर बनना है तो आपका दिमाग ढूंढने लग जाएगा तरीके कि यार यूट्यूबर कैसे बनते हैं कैसे बनते हैं अब बाकी सारी चीज़ों से आपका फोकस हट जाएगा और एवर द फोकस एनर्जी गोस मतलब जहाँ एनर्जी आती है वहां पर रिजल्ट भी आते हैं एज सिंपल एज दैट और एक चीज़ मैंने सीखी है अपनी लाइफ में वैन यू आर सराउंडिंग यूर सेल्फ विद पीपल ना हु थिंक पॉजिटिव हु थिंक अहेड तो आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसे होती है क्योंकि आपको वो वाइब्रेशंस उनसे आती है अब उसके पीछे कौन सा लॉ काम करता है वो मुझे नहीं मालूम बट जब लोग आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं अपने लिए रास्ते निकाल रहे हैं आप देख रहे हो कि वो रास्ते निकाल रहे हैं मेहनत करके तो यू माइट नॉट फॉलो द सेम जर्नी बट यू विल लर्न ट्रेड्स कि ये बंदा कितने फोन लगाता है दो दो साल तक पिच करता है hmm. उसके बाद रास्ता निकलता है और वो कर रहा है तो लेट मी ऑल्सो टेक द इंस्पिरेशन सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सराउंड विद द राइट सेट ऑफ पीपल एक और चीज है थोड़ा इससे रिलेटेड बात करना चाहूंगी यार बुक राइटिंग ऑथर बनना ये सब चीजें कितनी अच्छी है या उसमें कितना बेनिफिट मिल सकता है या उसके नेगेटिव साइड भी दिखाओ पॉजिटिव साइड भी क्या <laughs> किसी को अगर ऑथर बनना है तो वो कैसे बन सकता है सिक्स के ऊपर कुछ बताना चाहोगे आप तो मैं तो भाई एक बात बोलूँगा किसी को ऑथर बनना है तो लिखना चालू करना चाहिए भले हाँ। मैं आपको एक बात बताई नहीं ठीक हाँ। है मैंने आपको बताई कि फोप्स में आर्टिकल पब्लिश होते हैं सी एन वेस्टलैंड ने मेरी बुक्स पब्लिश करी गॉड हैज़ बीन काइंड आपको मालूम है जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा था तो मुझे एडिटर से कमेंट आया था तुम बहुत गंदा लिखते हो अच्छा वहाँ से जर्नी चालू करके और मुझे मालूम है मैं पहले अपने दोस्तों से रिव्यू करवाता था कि मैंने जो लिखा है क्योंकि जब किसी ने आपको ये कमेंट दे दिया ना कि आप बहुत तुम बहुत गंदा लिखते हो तो वो कॉन्फिडेंस लेके आना कि मैं दोबारा लिखूँ दोबारा किसी एडिटर को भेजूँ बहुत टाइम लगता है तो एक एक लाइन लिख के एक एक पैराग्राफ लिख के मैंने चालू किया लोगों को दिखाया इनफैक्ट आज भी जब मैंने ये बुक्स लिखना चालू करी थी बहुत आर्टिकल्स हो चुके थे मैं लिखने के बाद अपने ऑडियंस का एक सेट बनाता था और उनको वो स्टोरी लिख के भेजता था कि आप मुझे फ़ीडबैक दो कि आपको कैसी लगी तो जब हमने बूमिंग ब्रांड वन लिखी थी मेरे एक फ्रेंड ने एक एक स्टोरी को रिव्यू किया था मैंने उसके बाद एडिट किया था जब मैंने बूमिंग डिजिटल स्टार्स लिखी बूमिंग ब्रांड टू लिखी एक ट्वेल्थ क्लास का बच्चा मैं लेता था जिससे मैं पहला रिव्यू करवाता था कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि मैं मार्केटर हूँ मुझे सारे मार्केटिंग जार्गन समझ में आते हैं मैंने उसको इतने सिंपलीफाइड मैनर में लिखा है कि उसको समझ में आ रहा है क्या उसको वो कहानी हेयर एंड टोटॉइस -टो की तरह समझ में आ रही है एक से फीडबैक लिया दो से फीडबैक लिया तीन से फीडबैक लिया फिर एक एम स्टूडेंट से फीडबैक लिया इस तरीके से मैंने अपनी राइटिंग में फीडबैक लिए हैं और उस तरीके से चीज़ को आगे बढ़ाया है तो अगर किसी को भी राइटर बनना है ना ही शुड भी या कुछ भी बनना है लाइफ में क्रिटिसिजम के लिए रेडी होना चाहिए मैं एम कर चुका था मार्केटर था सब कुछ था आई वॉज ओके टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट एंड देन रिफाइन द थिंग ये आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि पहली बार में कोई भी चीज़ उभर के नहीं आती है उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर बुक फिर एडिटर जब आपकी बुक पब्लिशर के पास जाती है तो एडिटर के कमेंट्स आते हैं देन यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एंड कि हाँ इसके बाद भी गलती हो सकती है तो हाँ उस हर हाँ, एक प्रोसेस से मैं सीखा हूँ आज हो सकता है मुझे उतनी एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़े उतने फीडबैक की जरूरत नहीं पड़े फिर भी मैं लेता हूँ ये चीज़ है ना बहुत पावरफुल चीज़ है फीडबैक मेरे हिसाब से ना मैंने कहीं पढ़ा भी था मुझे याद नहीं आ रहा बट यही कर इतना एक्सट्रीम में कि अगर आप फीडबैक नहीं ले सकते हो ना तो आप बड़े बन नहीं सकते हो हाँ कोई भी बड़ा बिजनेस कैसे बड़ा बनता है जब वो लोग फीडबैक लेते हैं यूजर क्या कितने यूज़र्स आ रहे हैं देख रहे हैं इंस्टाग्राम भी फेसबुक भी हर चीज़ ये लोग ग्रो कर पाया फीडबैक के आज ए आई ए आई का इतना बातचारा ए आई क्या है फीडबैक लूप वो फीडबैक पे ही काम कर रहा है आप लोग जो फीडबैक दो उसके ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है तो हमें भी अगर स्ट्रॉन्ग बनना है ए के लेवल का तो नहीं बन सकते लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अपनी जिंदगी में बनना तो फीडबैक लेने के लिए हमेशा रहो मोटी चमड़ी के बनो right. कितने भी गंदे कोई फीडबैक दे उसको लो अगर जेनवन दे रहा है तो इफ यू कैन वर्क ऑन इट वर्क करो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी नेगेटिविटी निकाल रहा है देन यू कैन मतलब स्लाइडेड डाउन कि हाँ ठीक है तो ऐसे कुछ भी बोल रहा है बट अगर जेनवनली कोई आपके प्रोडक्ट आपकी बुक के लिए फीडबैक दे रहा तो वो लो भाई बुक से रिलेटेड ये भी था मुझे कि एक बुक लिख के एक इंसान मॉनिटरी वाइज भी कितना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में उसका सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं लाइक कितना कुछ कर सकता है इसमें क्योंकि ये भी एक इंस्पिरेशन एट द एंड कहीं ना कहीं सबको पैसा कमाना है कहीं ना कहीं अपना नाम कमाना है इज़्ज़त कमानी है तो बुक से वो क्या क्या मिलता है और कितना मिल सकता है आपके हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी ना बुक्स लिख के अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा कमा लूँगा कमा सकते हो बिकॉज लोगों ने कमाया भी है लोगों ने मिलियन डॉलर्स भी कमाए होंगे राइट right? बट मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा हूँ मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में ना मैं जितने से बड़े बड़े ऑन्ट्रप्रिनर्स से मिला हूँ ना एवरीबडी हैज़ मेड मनी बट उन्होंने कभी इस पैसे के पीछे भागते हुए काम नहीं किया है दे ऑलवेज़ हैव अ पर्पस कि मैं एक पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ मेरे इस काम से लोगों को कुछ फ़ायदा होगा लोगों को फ़ायदा होगा तो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जाएंगी मेरी बुक भी बिकेगी उसका मेरे को रेवेन्यू शेयर आएगा लोगों को मेरी बुक अच्छी लगेगी तो मुझे स्पीकिंग एंगेजमेंट्स मिलेंगे लोगों को स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में मैं पसंद आया तो मुझे टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर मैं इंडियन बी स्कूल्स में अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बुलवाएंगी पढ़ाने के लिए वो डॉलर्स में पे करेंगी दूसरी करेंसी में पे करेंगी मेरे रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी राइट right? लेकिन सबसे पहले मेरा पर्पज़ क्या था कि मेरे कॉन्टेंट से सामने वाले को वैल्यू एड होनी चाहिए अगर मैं ये सोचूं कि नहीं ये बुक तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं तो मैं उसमें दिल नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल तो पैसे पैसे के लिए सोच रहा है ना लेकिन अगर मेरा दिल लगा हुआ है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि मेरे ऑडियंस को वैल्यू मिल जाए उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरे ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई उनको न्यू एज इंडियन ब्रांड्स कैसे बन रहे हैं आज के डिजिटल एरा में वो समझने को मिला मार्केटिंग चैनल्स चेंज हो चुके हैं एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेंज हो चुका है पहले एम्प्लॉयज पूरी जिंदगी निकाल लेते कंपनी के साथ आज दो दो तीन तीन साल में छोड़ देते हैं कस्टमर्स चेंज हो चुके हैं पहले कस्टमर के पास लिमिटेड च्वाइज थी आज प्लेथोड ऑफ च्वाइज हैं ऐसे एनवायरमेंट में ब्रांड्स कैसे बन रहे हैं वॉज अ गैप जो मैं फिल कर पाया एंड कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हुई डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस बुक्स आई वाज़ एबल टू एटेब्लिश माई सेल्फ एस अ बिजनेस स्टोरी टेलर तो मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने काम दिए आई राइट स्टोरीज आई वर्क विद फ्यू यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वी सी फंड्स फ्यू कॉर्पोरेट्स अबाउट राइटिंग द स्टोरीज ऑफ देर एम्प्लॉयज स्टोरीज अबाउट दियर कंपनी ऑल दोज थिंग्स केम बिकॉज आई गेट दीज कडेंशियल्स राइट आई आई अंडरस्टैंड बुक्स है ना बुक्स एक तो पैसे के लिए नहीं लिखना है आपको मुझे ऐसा लगता है ना पैसे ज्यादा ब्रांड बनाने के लिए ज़्यादा यूज कर सकते हो और फिर वो अपना एक बार ब्रांड बन गया तो आप उसको अलग अलग तरीके से मॉनिटाइज कर सकते हो फिर आप उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हो आप देखो कॉर्पोरेट्स uh, को मतलब क्लाइंट्स दे सकते हो क्योंकि आपका एक ब्रांड बन चुका है राइट वैसे इनडायरेक्ट तरीके से बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पैसे कमाने के लिए आप बोल सकते हो काइंड ऑफ हाँ एंड इट्स 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 अ काइंड ऑफ एन ऑनप्रोर वेंचर यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच प्रोडक्ट हमेशा तेल और साबुन नहीं होता hmm. या ऐप नहीं होती ये भी एक प्रोडक्ट है जिसका आपको आइडिएशन आया आप उसको एंड तक लेके गए आपने दस पब्लिशर्स को पिच किया उन्होंने कई लोगों ने आपको रिजेक्ट किया फिर आपकी बुक मार्केट में आई आपने ऑडियंस को पिच किया यू लर्न द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड बेसिकली इट्स लाइक अ प्रोडक्ट बुक इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रोडक्ट सो यू आर गोइंग थ्रू दैट ऑन ग्राइंड तो आप पैसे कितने कमाओगे उसके अलावा आप एक बेटर इंसान बनते हो क्योंकि आप देखते हो कि हाँ रियल लाइफ में क्या 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 सहना पड़ता है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके एक लेवल तक लेके जाने में सो so भाई वैसे काफी सारी इंटरेस्टिंग डीप बातें हो रही है थोड़ा सा ना उसको थोड़ा लाइट कर देते हैं अभी वापस से हाँ हाँ हमें हाँ ना रैपिड फायर गेम खेलता है हाँ तो मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो भी दिमाग में आपका है फटाफट आप उसका आंसर करना ठीक है सो मॉर्निंग पर्सन नाइट आउल मॉर्निंग पर्सन आई विक अप एट फोर ए एम थ्री कॉन्टेंट ऑथर्स यू लुकअप टू सेथ गॉर्डन जेफरी मूर एंड देवदत्त पटनायक फेवरेट बुक पर्पल काउ बाय सेथ गॉर्डन biggest source of inspiration my father three apps you can't live without whatsapp linkedin and uh, uber a book or movie that inspired you to start writing there are two movies that have inspired me a lot in my life one is the pursuit of happiness not for writing but for following your dreams mm -hmm. and the second one is the walk the walk is a story of a rope walker Okay. Uh, जो ट्विन टावर्स के बीच में चलता है अच्छा okay. ओके तो उसकी जो कन्विंसिंग स्किल्स थी कि कैसे वो फ्रांस से आता है अमेरिका में लोगों को कन्विंस करता है टू हेल्प हिम टू डू समथिंग विच वॉज नॉट लीगल एंड विच वॉज सो रिस्की एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी जो डायरेक्शन है जो उसकी कन्विंसिंग स्किल्स हैं जो पैशन दिखाया है आई I मीन mean,

Uh, those habits in yourself and this quote was given to me by a banker when i used to work in new york uh, so that has always been with there with me the most rewarding part of your work getting an opportunity to meet so many interesting people who are outliers and achievers in their fields uh, getting to know their stories is an amazing experience डिस्क्राइब योर राइटिंग प्रोसेस सो आई राइट अबाउट बिजनेसिस सो वेन एम एम राइटिंग अबाउट एनी बिजनेस आई ट्राई टू रीड मोर एंड मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री सो दैट आई कैन बिकम नॉलेजल इनफू आज टू बी एबल टू आज द राइट क्वेश्चन फ्रॉम द फाउंडर और फ्राम द सीनियर लीडरशिप एंड मोस्टली क्या होता है जब मैं चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ मुझे वॉट मालूम पड़ता है जो मेरे क्वेश्चन होते हैं वो वाई एंड हाउ के अराउंड होते हैं एंड दैट हेल्प्स मी इन गेटिंग द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको मैं प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके आई प्रेजेंट इट फॉर माई ऑडियंस यू आर गो टू प्रोडक्टिविटी हैक डू मेडिटेशन फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांडिंग फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांडिंग No, definitely instagram twitter linkedin all of them have their own benefits uh, so this is again based on the category if it's a, it's a fashion uh, brand or it's a like food related brand instagram uh, can be a great place also depends on your audience if you're targeting young people instagram has more number of young people if you're talking about business audience linkedin is there so because your mindset changes when you go to a different platform you go to a different platform for different purposes mm. your conversation style changes mm. so right exactly your top source for creative inspiration? Cartoons, cartoon movies, Disney movies, uh, cartoon shows, which I watch with my daughter. And uh, the kind of innocent questions my daughter asks me. Uh, so that gives me a lot of creativity because I have to s simplify my answers. सो वट एवर टाइम आई स्पेंड विथ हर वाई वॉचिंग कार्टून मूवीज और एक्सप्लेनिंग दिंगस इन सिंपलिस्टिक कार्टून मूवीज है, है कई uh -huh. बार क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं कई बार प्यारे प्यारे मैसेजेस लाइफ लर्निंग्स इतने अच्छे तरीके से लोग उसमें बता देते हैं राइट फिक्शन और नॉन फिक्शन नॉन फिक्शन पेन एंड पेपर या डिजिटल नोट पेन एंड पेपर इफ नॉट अ राइटर वट वुड यू बी मार्केटर आई मार्केटअर फर्स्टर लेटर ओके हाउ डू यू हैंडल राइटर्स ब्लॉक So, uh, if I'm not able to write something at that time, I take a break, look at the same thing after a day or after two days, and my mind starts working. So, I just give a break to myself, start doing something else. That's the way I break the writer's block. Best piece of advice that you have received? Surround yourself with the people who are better than you, learn why they are best in their field, and try to inculcate those traits in yourself to improve yourself. भाई कोई ऐसी चीज़ है जो आप लाइक आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं कभी नहीं कर पाऊँगा ऐसा कोई ऐसी चीज़ है जो ईशान भाई एक चीज़ है जो मैं लाइफ में कभी भी नहीं कर पाऊँगा एंड उसका मुझे दुख मरते दम तक रहेगा तो जब मैं इंजीनियरिंग में था मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने मुझे उन्होंने जीरो से उठा के टॉप तक पहुंचाया। हर तीन दिन में वो मेरे लिए टाइम निकालते थे ये देखने के लिए कि मेरे में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है इनफैक्ट जब मैंने अपनी डेलोइट की जॉब छोड़ के टाई ज्वाइन किया था उन्होंने मुझे मॉरली सपोर्ट किया था कि तुम करो जो होगा देखा जाएगा आज वो नहीं है एंड आज मतलब वो टू में एक्सपायर हुए थे बहुत टाइम चला गया उसके बाद मैंने बहुत जर्नी ट्रैवल करी एम ए किया उन उनसे मैंने एक बार सपना शेयर किया था कि सर मैंने तीन तीन चार चार अटैम्प दिए हैं कैट के जेड के मेरा नहीं होता है उन्होंने कहा था तेरा होगा जब हुआ मैं वो नहीं थे मैं उनको नहीं बता पाया जब मेरी शादी हुई मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था मैं नहीं ले पाया जब मैं ऑथर बना वो बहुत फेमस ऑथर थे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के हेड थे हाईली रिकॉगनाइज पर्सन थे तो उन्होंने मुझे रिसर्च पेपर लिखना सिखाया था जब इंजीनियरिंग में, में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जा लिखा जाता है और उनका लिखा उनका गाइड किया हुआ रिसर्च पेपर मैं आई दिल्ली में प्रेजेंट करके आया था डेट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी जब मैंने बुक लिखना चालू करी जब मैंने आर्टिकल्स लिखना चालू करी वो मेरे पास नहीं थे लेकिन उनकी तस्वीर हमेशा मेरी टेबल पर रहती है और जब भी मेरा मन करता है ना कि काश ये चीज़ मैं उनको बता पाता और लगता है कि मैं उन बता तो सकता हूँ उनके फ़ोटो को लेकिन उनकी आवाज़ सामने से नहीं आएगी बहुत दुख होता है आई थिंक ये चीज़ हमेशा मुझे मैं मिस करूंगा ही वॉज लाइक काइंड ऑफ वेरी गुड मैंट है ना आपके लिए वेरी गुड वेरी गुड मैंट फादर फिगर फादर फिगर जो आपको बहुत इंस्पायर किया सपोर्ट किया एंड वो कई बार सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है लोगों की कई हाँ। बार हम जब लो फील कर रहे होते हैं ना कई बार सिर्फ एक किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बस ऐसा हाथ रख के बोलती है भाई ठीक है टेंशन मतलब हो जाएगा आई थिंक वो कई बार लोगों की लाइफ में नहीं हो पाता जिसका जैसे कई बार लोग कुछ कर भी नहीं पाते नहीं तो वो मेरे लिए इसलिए भी जरूरी था मैं पचपन परसेंट के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर हुआ था अस्सी परसेंट के साथ निकला मैं मेरे को बोलना नहीं आता था स्टेज पर मैं क्लास में नहीं बोल पाता था लोगों से क्योंकि मेरे को हिंदी इंग्लिश का वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उन्होंने मेरे को वहाँ से उठा के आई दिल्ली के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तक पहुँचाया बोलना सिखाया आपने कई सारे टेटॉक्स भी दिया टेटॉक्स तो अभी हुए हैं मतलब लास्ट दो तीन सालों में ये मैं तब की जर्नी बता रहा हूँ जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था क्योंकि मैं छोटे शहर से आया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे अच्छा बोल सकता हूँ इंटरव्यू के लिए जब मैं जाया था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे हाथ मिलाता लाता हूँ एनर्जी चली गई अब जाके जो दिल में है ना मस्त बोल के आना और मेरा इंटरव्यू में हो जब हुआ था तो उनका एक बहुत मॉरल सपोर्ट रहा था मुझे आगे बढ़ाने में right, तो आज वो मेरे साथ नहीं है तो मैं मिस करता हूँ राइट बट डेफिनेटली जब मैं ऊपर जाऊँगा ना और उनसे मिलना होगा तब मैं उनको शेयर करूंगा ये सब चीज़ें वेरी नाइस भाई अभी थोड़ा स्टोरी टेलिंग पर वापस आते हैं कि स्टोरी टेलिंग बहुत पावरफुल चीज़ है सबको सीखनी चाहिए तो मैं आप पूछना चाहूँगा भाई स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं कुछ उसके फ्रेमवर्क्स या फिर आप कैसे एक्जैक्टली exactly स्टोरी अच्छी बना सकते हैं कोई किसी को स्टोरी बोलना है तो सो थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोग जब स्टोरी के बारे में सोचते हैं ना तब उनको सबसे पहले सोचना चाहिए कैरेक्टर्स कौन से होंगे स्टोरी hmm. में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है विलेन अगर गब्बर सिंह शोले में नहीं होता ना तो शोले बोरिंग हो जाती तो आपको एक विलेन लाना पड़ता है एक प्रॉब्लम लानी पड़ती है विलेन कैन बी ह्यूमन कैन बी एनिमल कैन बी सोसाइटी प्रेशर आल्सो। बट आपको विलेन को लाना पड़ता है इतना बड़ा दिखाना पड़ता है कि हीरो को उसको बाईपास करने में उसको क्रॉस करने में उसको ओवरकम करने में चैलेंज आएगा एंड जब हीरो क्रॉस कर लेता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लेकिन हीरो वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर नहीं ला पाता अपने आप उसको एक मैंटर की जरूरत पड़ती है एक गाइड की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस स्टोरीज में वो गाइड होता है ब्रांड मोस्ट ऑफ द लोग क्या मिस्टेक करते हैं ब्रांड को हीरो दिखा देते हैं हीरो इज कस्टमर राइट तो कस्टमर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्रांड यूज करने से एंड वो एक प्रॉब्लम को क्रॉस करता है जैसे फॉर एग्जांपल रेमंड के केस में जब कोई अच्छा कपड़ा पहन के जाता है तो उसको शादी में जाता है या किसी पार्टी में जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है तो उससे पहले उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या कुछ तो प्रॉब्लम है जब वो रेमंड का कपड़ा पहनता है फिर लास्ट में लिखा हुआ आता है द कंप्लीट मैन बिकॉज ब्रांड हेल्प दैट पर्सन इन सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन राइट तो ये चीज़ लोगों को याद रखनी चाहिए कि कौन से कैरेक्टर का कौन सा रोल प्ले होगा है ना देन बिना सेटबैक्स और कमबैक्स के ना स्टोरीज़ में इमोशंस नहीं आते हैं लोगों को उतार चढ़ाव ज़िंदगी में पसंद आते हैं कोई गिरा फिर उठ के आया कैसे उठ के आया तो वो ढूंढना ज़रूरी है फिर हर एक स्टोरी का फॉर्मूला अलग होता है रैक टू रिचे स्टोरी होती है जिसमें आदमी के पास कुछ नहीं था बीट एजुकेशन बीट मनी बीट समथिंग एल्स स्पोर्ट्स का की ट्रॉफी एंड वो वहाँ से जीरो स्टेट से उठता है और टॉप तक पहुँचता है वो रैक टू एचियर स्टोरी होती है मोस्ट ऑफ द आंट्रप्रिनर स्टोरीज है रैक टू इचियर स्टोरी जिसमें एक ऑन्ट्रप्रनर अपनी जर्नी को कवर करता है बट उसमें बहुत सारे मेंटर्स भी आते हैं जो ऑन्ट्रप्रिनर की हेल्प करते हैं कभी वो इन्वेस्टर्स की फॉर्म में आते हैं कभी वो एडवाइजर्स की फॉर्म में आते हैं कभी वो पेरेंट्स की फॉर्म में आते हैं कभी वाइफ की फॉर्म में आते हैं जो उसको अलग अलग फेजेस में हेल्प करते हैं कभी कस्टमर भी ऑन्ट्रप्रिनर uh, को गाइड करता है तो उसका स्टोरी का एक स्ट्रक्चर होता है विच हैज़ टू बी फॉलोड देन एक क्वेस्ट की स्टोरी होती है जिसमें ऑन्थरप्रिनर इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम रैक टू रिचेस बट ऑन्थरप्रिनर हैज़ अ गोल दैट ही वॉन्ट्स टू अचीव कि मुझे सुपर कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए एक अलग जर्नी ट्रैवल होती है जैसे गूगल का वो एड आया था जिसमें अ ग्रांड वॉटर ट्राइज टू कनेक्ट्स हर ग्रांड फादर विद ग्रांड फादर्स फ्रेंड लिविंग इन लाहौर पाकिस्तान एंड शी कनेक्ट बोथ ऑफ देम यूजिंग गूगल जिसमें गूगल एक्सेस मैंटोर इन हर होल जर्नी एंड द क्वेस्ट वॉज कि मुझे अपने ग्रांड फादर को उनके फ्रेंड से मिलवाना है जो पार्टीशन के टाइम पे अलग हो गए थे तो वो क्वेस्ट की स्टोरी होती है वॉयज एंड रिटर्न की आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो वहां से एक्सपीरियंस गेन करके वापस उसी जगह पर आते हो जहां से आपने चालू किया था जो आ, रामायण की स्टोरी है भगवान राम अयोध्या से गए एक जर्नी ट्रैवल करके वापस अयोध्या आए विथ न्यू एक्सपीरियंस न्यू लर्निंग्स तो वो होती है वॉयज एंड रिटर्न इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के स्टोरीज होती हैं जिनके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं तो अगर लोग इन फार्मूलाज़ को ध्यान में रखें और कैरेक्टर्स के पोजिशनिंग को ध्यान में रखें और सेट राइट्स काइंड ऑफ सेटबैक्स और कमबैक्स को लेके आए एक बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है कई बार हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लीनियर देखने की कोशिश करते हैं कि यार हमने मेहनत करी हमने वीडियो बनाया हमें सक्सेस मिली ये ये ये, ये ऐसा होना चाहिए बट रियलिटी ऐसा कभी होता ही नहीं है और अच्छी बात ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी अच्छी स्टोरी नहीं बन पाएगी <laughs> बोलते हैं ना गुड स्टोरी अच्छी स्टोरी उनकी बनती है जिनकी लाइफ में बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है जैसे अभी हर्षद मेहता जी का वो जो आया था अपना हाँ। स्कैम स्टैंड वो बहुत क्यू हिट हुआ क्योंकि उसमें बहुत अप्स एंड डाउनस थे उसको ट्रैजिक स्टोरी बोलते हैं अच्छा ट्रैजिक स्टोरी तो एक होती है ट्रैजिक स्टोरी जिसका एंड अच्छा नहीं होता एक होती है रीबर्थ स्टोरी जिसमें ट्रेजिक आ रहा होता है पर कोई मेंटोर आ जाता है जो कि हीरो को वापस ले जाता है तो अगर हर्षद मेहता अपने भाई का जो गाइडेंस था राइट right टाइम पे सुनता तो वो ट्रेजिक्स एंडिंग की जगह रीबर्थ स्टोरी बन जाती hmm. और इस स्टोरी में क्या होता है एनिमी बाहर का नहीं होता एनिमी अंदर का होता है इन दिस सो अंदर के एनिमी कौन से होते हैं ग्रीड समटाइम्स जेलसी दिस और ऑल इनर एनिमीज जो कि ईगो ईगो तो जिसके कारण आप कई बार ऐसी गलतियां करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए हुँ. और अननेसरी आप लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हो राइट राइट उसमें स्टार्टिंग में रैक्स तो राइट का भी थोड़ा बहुत था कि रीबर्थ स्टोरी में ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा पैटर्न स्टोरीज का सेम होता है इनिशियली आप ऊपर जाते हो लेकिन इनिशियली जो आपके अंदर लेट्स से थोड़ी सी ग्रीड थी जो आपको गरीबी से अमीर तक ले गई वो अप्रिशिएबल है हाँ. लेकिन वो बाद में इतनी बढ़ गई कि यू आर डूइंग्स फ्यू थिंग्स That you should not do, तो वो आपका जो अंदर का एनिमी था ना वो पहले तो उसने आपको थोड़ी बहुत मदद करी कि आप गरीबी से लेकर अमीर तक पहुंच गए हो हो आप कम बैक कर सकते हो राइट ऐसी अलग अलग फॉर्म ऑफ स्टोरीज फॉर्म ऑफ स्टोरीज लोग कहा से पढ़ सकते हैं मतलब इसके बारे में कुछ है डिटेल में जहां पे कुछ कोई तो वीडियो कोई आपके आर्टिकल्स या कुछ भी हो जो मैं लिंक में डाल दूंगा हाँ मैंने आर्टिकल हैं ऑल अबाउट हाउ टू राइट बिजनेस स्टोरीज वट आर दीज डिफरेंट फ्रेमवर्कस विच हैव गॉट पब्लिश इन पब्लिकेशन लाइक फोर्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप, आप मुझे लिंक भेजाना मैं, से से मैं उसकी जरूर डाल डालू ताकि लोग थोड़ा तो डिटेल में जिनको अगर अच्छे से समझना होगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा राइट और भाई एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ ये भी पूछना चाहता हूँ मुझे सबसे देखो दो चीज़ में हमेशा बोलता है कि मैंटालिटी होती है और एक स्किल्स होता है दो चीज़ के अगर आप कॉम्बिनेशन कर लो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से अच्छी मैंटैलिटी ले लो अच्छे हुनरमंद इंसान बन, बन जाओ बहुत पैसे आएंगे नाम इज्जत हर एक चीज हो सकती है तो मैं आपसे पूछना चूँगा आपके हिसाब से कौन सी वो टॉप फाइव स्किल्स है जो आज के यूथ को जो भी देख रहा है वीडियो उनको फोकस करना चाहिए कि ये पाँच स्किल्स में अगर पाँच स्किल या तीन स्किल्स जो भी आपको सही लगती है वो स्किल्स बता सकते हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेफिनेटली है ना बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू फेस द ऑडियंस बी इट इन वन ऑन वन और वीट लाइक वन टू मैनी इट हेल्प्स Because you have to present your ideas, you have to present your thought. You should be good in that, right? The second skill that you should have is, uh, uh, and public spe speaking, speaking may or storytelling. When you are speaking publicly, it's not just about your uh, saying anything; it has to be storyfied, so that you can gain people's attention. This is one of the main skill that I think people should have. Second thing people should have is understand how to build relationships. लोग नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं साथ में चाय कॉफी पीते हैं खाना खाते हैं फिर भूल जाते हैं आप सौ लोगों से नहीं मिलो किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो पाँच लोगों से मिलो दो लोगों से मिलो बट एक जेन्यन अटेंशन दो सामने वाले को क्योंकि जब आप सामने वाले की कहानी सुनते हो ना तो एक दोस्ती बेहतर होती है एज कंपेयर टू आप ही आप बोल रहे हो आप ही अपनी सेल्स पिच कर रहे हो दो लोगों से मिलो एक अच्छी रिलेशनशिप बनाओ दैट विल हेल्प रादर देन मीटिंग हंड्रेड पीपल एंड हैविंग द ट्रांजेक्शन सेकंड हैव लिस्निंग स्किल इन टर्म्स ऑफ कभी कोई आपकी गलती बता रहा है ना तो उसको एक्सेप्ट करो ईगो पे मत लो बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता एंड ट्राई टू मीट पीपल हु आर बेटर देन यू हैव गुड मैंटोर्स हु कैन ओपनली टेल यू कि आपकी गलती क्या है उसको ईगो पे मत लो उस गलती पर काम करो बेस्ट चीज़ होगी उसको दीवार पर लगा दो कि लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं और उसको चेंज करके दिखाओ आई थिंक आर द फ्यू थिंग्स दैट पीपल शुड हैव वेदर यू कैन कॉल द ए स्किल्स और एटीट्यूड पर मुझे एक बात और लगती है जीशान भाई आप में अगर एटीट्यूड है ना सीखने का खुद को साबित करने का स्किल्स आप सीख लोगे राइट right. जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे hmm. तब सी सी प्लस प्लस होती थी hmm. फिर जावा आई फिर दूसरी लैंग्वेज आई hmm. आज की डेट में लोग ए आई टूल्स सीख रहे हैं अल्टीमेटली hmm. तो एटीट्यूड चाहिए ना एक माइंड सेट चाहिए राइट right. मेरे को मेरे तो ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी हैव माइंड सेट टू विन दुनिया चेंज होती रहेगी तकलीफें आती रहेंगी लेकिन अगर आप में माइंड सेट टू विन है ना तो आप एटलीस्ट उस चीज को रिजोल्व उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए सोचोगे और दूसरा उन्होंने गुरु मंत्र दिया था स्टे रेलिवेंट मार्केट चेंज होता जा रहा है कल चैट जी पी टी नहीं था आज है कल कुछ और आ जाएगा अगर आप सीखते रहते हो सीखते रहते हो तो यू विल स्टे रेलवेंट इन द मार्केट राइट इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड स्किल्स तो आप आती चली जाएंगी राइट नहीं भाई एक्जैक्टली मैंने बोला ना भाई इसलिए मैं हमेशा ना पहले माइंडसेट को रखता हूँ माइंडसेट देन हाँ. स्किल्स दोनों क्योंकि स्किल्स सीखने के लिए भी माइंडसेट चाहिए आपको सीखने के लिए माइंडसेट क्योंकि अगर आपका माइंड सेट से ऐसा आप स्किल्स है आपको एडिटिंग आती है हमें हाँ। लेकिन आपके पास माइंडसेट ही नहीं है हाँ। बड़ा करने का या फिर वो मेहनत करने का घंटों right. लगाने का राइट right. आपके माइंडसेट में कि यार मैं सिर्फ में आधे घंटा एडिटिंग करूं और बहुत अच्छे व्यूज आ जाए हाँ नहीं होता आपको माइंडसेट सेट चाहिए मेरे को तीन घंटे लगाने पड़ेंगे राइट right. पांच घंटे एडिटिंग करनी पड़ेगी उसके लिए भी माइंड चाहिए स्किल्स अच्छे से यूज करने के लिए राइट तो इसलिए आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भाई अपने जितनी भी चीजें बोले कंप्लीटली वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस अचीव करने के लिए लास्ट को एक फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे ऑडियंस को व्यूअर्स को स्टे हम्बल स्टे हंग्री एक्चुअली <laughs> hmm. <laughs> दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है हंगरी हाँ. मतलब हमें भूख तो चाहिए हर चीज़ को अचीव करने है और हम्बल भी रहना बहुत जरूरी है वो तो दिखी रहा है भैया आपके अंदर हंगर भी है आपके अंदर हम्बलनेस भी बहुत है सो so, वही वही और कुछ लेसन ये इससे हम ख़त्म करें नहीं अगर आप हम्बल हो और आप हंगरी हो ना तो रस्ते निकल आएंगे क्योंकि हम्बल हो तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होगी आप लोगों को सुनोगे और हंगरी हो तो डेफिनेटली सीखने की कोशिश करोगे नई नई चीज़ें आप अगर कुछ सीख भी जाते हो बिकॉज आप हम्बल हो तो आप में एलोगेंस नहीं आएगा तो दोनों चीज़ें बहुत वेल well कनेक्टेड हैं और एक हेल्प करती हैं आपकी आगे बढ़ने में ट्रू भाई ट्रू वेरी पावरफुल थैंक यू सो मच हर्ष हजभाई अपना टाइम देने के लिए वैसे तो मुझे मैं, मैं मैंने बोला भी था हर्ष भाई को दो दो पॉडकास्ट भी कर लेते बिकॉज आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस जैसे ब्रांडिंग हो गया सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड बात भाई ने तीन तीन बुक्स तीन बुक्स हो गए आपकी टोटल कितनी बुक्स हो गए तीन बुक्स हो गई हंड्रेड प्लस आर्टिकल्स हो गए हंड्रेड प्लस आर्टिकल्स तो वही मैं एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई जो लिखता है ना उसके पास बहुत कुछ होता है कई बार क्योंकि हाँ। उसने लिखने के लिए भी काफी रिसर्च की काफी चीज़ें सीखी फिर उसको डाला तो मुझे पता था पहले से मुझे पता था ये काफ़ी लंबा ही होगा पॉडकास्ट और थोड़ा सा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं काफ़ी वैल्यूबल था और होपफुली आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो नेक्स्ट टाइम में मैं वापस एक बार कर लेंगे हम बात कर लेंगे जो भी हर्ष भाई के लिए कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट डाल देना हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनसे कवर करेंगे अभी के लिए थैंक यू सो मच भाई अपने टाइम देने के लिए आप यहाँ पे आए मुझे बहुत अच्छा लगा इट वॉज अ वेरी प्लेजर टू होस्ट यू भाई थैंक यू थैंक यू जीशान भाई आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का बहुत दिनों से इच्छा थी आज मौका मिला थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच